हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल आवर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सुप्रीम 16 इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, जहां कहीं भी होंगे जबरदस्त एफर्ट दे रहे होंगे अपने सपनों के लिए, अपने एस्पिरेशन के लिए, राइट? आज की क्लास में हम लोग एक ऐसे चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही स्कोरिंग है, इवन कम एफर्ट में आपको आउटपुट 100% देता है। जी हाँ, कम एफर्ट में आपको 100% आउटपुट देता है। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब यह है कि आज की क्लास अगर आप 2 घंटे 2.5 घंटे आप कंसिस्टेंटली आप पढ़ते चले जाते हो, बस सुनते चले जाते हो और सब कुछ बहुत ही क्लियरली मेंशन करते चले जाते हो। मेंशन करने का मतलब क्या है? सब कुछ नोट्स करते हो, प्रॉपरली चले जाते हो, तो आपके मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स या मैक्सिमम 2.5 घंटे में आपके 2.5 आवर में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा और उस चैप्टर से आपके एग्जाम में पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन आता ही आता है। सर क्या आता है? एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, बिल्कुल। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप 2.5 घंटे में हमारे साथ बने रहते हो और हर चीज़ जो मैं आपसे बोलता हूँ एकदम क्रिस्टल क्लियर आप नोटेड डाउन करते चलते हो, तो जस्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, जस्ट आप फोकस्ड हैं क्लास में, आपके नोट्स प्रॉपर बने हुए हैं, तो यू विल इजिली गेट 4 मार्क्स वट एवर यू एग्जाम, चाहे आप जेई मेंस में हो, चाहे आप नीट के लिए तैयार हो रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हो। अगर पॉलीमर, या आज उस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज पॉलीमर, अगर पॉलीमर आपके सिलेबस का पार्ट है तो पॉलीमर से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, बहुत ही आसान सा आता है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप 2 घंटे 2.5 घंटे इसको केवल कंसिस्टेंसी से साथ सुनते हो, आराम से सुनते हो और धीरे धीरे अपना पेन चलाते रहते हो, आपके नोट्स बनाते रहते हो, तो आसानी से इस चैप्टर से आपको 4 नंबर मिल सकता है। हाँ बिल्कुल, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग, यानी पॉलीमर से आज हम लोग बात करना शुरू करेंगे कि पॉलीमर क्या होते हैं और पॉलीमर में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में डिटेल्स बात करेंगे, ठीक है? चलिए बीच बीच से हम लोग बातें करते रहेंगे, तो मेक श्योर कि आप आराम से बैठें क्योंकि थोड़ी सी लेंथी होने वाली है। जैसा कि हमेशा से हम लोग मैक्सिमम 1 आवर या 1.5 आवर की क्लासेस होती थी, ये प्रोबेबली 2.5 आवर की क्लासेस हो सकती है, राइट? चलिए, तो आप देख रहे होंगे कि पॉलीमर आज का हम लोग का चैप्टर है, ठीक है? तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, अपनी अटेंडेंस लगाते जाएंगे और आसानी से सुनते जाएंगे एक एक पॉइंट को, राइट? पॉलीमर का क्या मतलब है समझते हैं। पॉलीमर द वर्ड पॉलीमर इज क्वाइंड विथ 2 ग्रीक वर्ड्स पॉली। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे या मेनी। मर का मतलब होता है यूनिट या पार्ट। तो आप इन 2 वर्ड को आप देखिए, पॉली एंड मर, जिनको जोड़ के बनाया गया पॉलीमर। पॉली का मतलब मेनी या बहुत सारे, मर का मतलब पार्ट या यूनिट। तो बहुत सारे पार्ट या यूनिट को एक साथ गुथ के, एक साथ गढ़ के, एक साथ इकट्ठा करके एक लंबी चैन, सॉरी एक लंबे मॉलिकुलर मास का एक यूनिट बनाया जाता है, जिसे हम पॉलीमर बोला गया, ठीक है? द टर्म पॉलीमर इज डिफाइंड इज ए वेरी लार्ज मॉलिक्यूल हैविंग मॉलिकुलर मास अराउंड 10^3 to 10^7 यूनिट या यूनिफाइड मास, इज द आल्सो पार्ट ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉलीमर, ठीक है? तो ये एक ऐसा पार्ट है जिससे बहुत सारे मोनोमर यूनिट जुड़ते हैं और एक लंबी चैन, ठीक है, बनाते हैं, उसे हम क्या बोलने वाले हैं, पॉलीमर बोलने वाले। जस्ट बेसिक डेफिनेशन थी, अब हम इसकी क्लासिफिकेशन पे आते हैं और इसकी बातों को और बेहतर बनाते हैं, ठीक है? राइट, देखते क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर के बारे में बात करेंगे, एक एक पॉइंट आप मार्क करते हुए चलेंगे और लिखते हुए चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। मैं बिल्कुल आपको टाइम दूंगा, आपको लिखने का टाइम दूंगा, आपको सोचने का टाइम दूंगा, कोई जल्दी नहीं है, अपन लोग के पास काफ़ी समय है, राइट? तो आप नई हेडिंग मिल्टेन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, राइट इट डाउन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। क्लासिफिकेशन में क्या आपको सोचना है? क्लासिफिकेशन अगर आप देखें तो सबसे पहला पार्ट है नेचुरल रबर, राइट? नेचुरल रबर, छोटे छोटे क्लासिफिकेशंस को अभी समझेंगे, फिर मोड ऑफ प्रिपरेशन में इन सब की प्रिपरेशन को डिटेल्स में स्टडी करेंगे, ठीक है? तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स, सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो हम लोग का है दैट इज सोर्स के बेसिस पे है कि वो पॉलीमर एक्चुअली पाया कहां जाता है, ठीक है? सोर्स के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल पॉलीमर, ठीक है? नेचुरल पॉलीमर, दीज पॉलीमर इज फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है? प्लांट्स एंड एनिमल्स, सर कौन कौन से एग्जांपल है नेचुरल पॉलीमर के? देखेंगे एग्जाम बोर्ड पे आपके नेचुरल पॉलीमर्स आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, प्रोटीन्स,
ऑब्वियसली नेचुरल पॉलीमर, सेलुलोज नेचुरल पॉलीमर, स्टार्च एंड सम रेजिन एंड रबर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? दे आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल पॉलीमर, राइट? सब के सब कौन से एग्जाम्पल है? नेचुरल पॉलीमर। तो आई जस्ट होप कि आप सब हर बात को मार्क करते हुए चल रहे होंगे, क्योंकि हर चीज़ें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, साथ साथ नोट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक एक बात आपको लिखते चलिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ एट द एंड जब चैप्टर फिनिश होगा तो आप हर क्वेश्चन को करने में सक्षम होंगे जो भी आपके एग्जाम में आएगा, इट गारंटी, राइट? और अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में बात भी करेंगे जो फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में आए हुए होंगे, जो रिसेंटली आपके एग्जाम में आए हुए होंगे, एंड यू विल एबल टू answer every single question, right? Then mark my word. हर बात को समझते चलिए. Okay. What is the next? Oh, I'm so sorry. Second is the synthetic polymer, right? Synthetic polymer. Synthetic polymer सर क्या होते हैं? Synthetic polymer को आप समझे थे? Variety of synthetic polymer जैसे plastics, ठीक है? Plastic मतलब polythene. पॉलीथीन, नायलॉन 6,6, ब्यूनाइस, अभी हम सभी सब बारे में बात करेंगे सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं और मोड ऑफ सिंथेटिक पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, कैसे उसको बनाते हैं, उसके मोनोमर क्या होते हैं और मेथड ऑफ मैकेनिज्म क्या होती है उसको बनाने की, प्रिपरेशन के पीछे उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, इवेंचुअली कैटलिस्ट के बारे में भी बात करेंगे, राइट? तो एक बेसिक सी बातें भी हम लोग कर रहे हैं, तो जस्ट इट नोट इट डाउन एवरी सिंगल वर्ड व्हाट आई सेड, राइट? व्हाट इज द नेक्स्ट, थर्ड, तीसरी बात क्या है? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है सर? दीज आर डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर जो होते हैं उसके डेरिवेटिव को हम बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, राइट? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, द एग्जाम्पल ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर आर सेलुलोज ट्राइएसिटेट, राइट? सेलुलोज ट्राइएसिटेट काफी सुना सुना सा वर्ड लग रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने बायो मॉलिक्यूल में हम इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ चुके हैं, तो ये आपको जाना सा लग रहा होगा, पहचाना सा लग रहा होगा, सेलुलोज एसीटेट, ठीक है, रेयान, ठीक है। इन सब के बारे में आपने बेहतरीन तरीके से क्लास में पढ़ रखा हो, फाइव, राइट? तो यार सेलुलोज ट्राइनाइट्रेट यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करने की जरूरत है, यहाँ पे इन्होंने गलती किया है, राइट? थोड़ा सा देख लेंगे, इसे सुधार लेंगे, ओके ओके। तो मैं बात कर रहा था सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं? ये डेरिवेटिव होते हैं किसके? नेचुरल पॉलीमर के, जैसे सेलुलोज ट्राइनाइट्रेट। सेलुलोज ट्राइनाइट्रेट को हम लोग क्या बोलते थे? गन कॉटन भी हमने इसको बोला था, सेलुलोज ट्राइएसिटेट को रेयान बोला था। ये सारे के सारे रिएक्शंस थे, हम लोगों ने जब बायो मॉलिक्यूल्स में हम लोगों ने पॉलीसेक्राइड्स पढ़ा था जिसमें सेलुलोज की प्रिपरेशन और उसकी केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे थे, तो ये रिएक्शन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट? तो आई जस्ट होप कि आप सब इन सब बातों को आप मार्क करते हुए चल रहे होंगे, हर एक सिंगल वर्ड को आप अंडरलाइन करते हुए चल रहे होंगे। एज आई टोल्ड यू कि जब तक आप सारी बातों को लिखेंगे नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक आप एग्जाम हॉल में यार समझ नहीं पाएंगे, ठीक है? तो हर एक बात को लिखते चलिए। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है वो वीडियो को जस्ट मूवी तरह एंजॉय करते हैं, प्लीज इस बात को थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा पेन चलाते चलिए यार, क्योंकि जब पेन चलाते हैं लिखते हैं तो आपके न्यूरो ट्रांसमिशन आपको मैसेज देते हैं कि आपने यार कुछ काम किया, आपके दिमाग में डेटा फीड होता है, राइट? ओके फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी बातें थी क्लासिफिकेशन के बारे में, थर्ड नंबर तक हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, राइट? स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले के बारे में बात करते हैं होमोपॉलीमर, राइट? होमोपॉलीमर ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है, होमोपॉलीमर। अभी हम लोग बात करेंगे कि एग्जाम में पूछा जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर मेड बाय होमोपॉलीमराइजेशन, राइट? ये कौन सा सा पॉलीमर है जो होमोपॉलीमराइजेशन के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है, तो ये होमोपॉलीमर टर्म्स आपको पता चलेगा। क्या होता है सर होमोपॉलीमर, देखते हैं। दैट पॉलीमर व्हिच आर फॉर्म्ड बाय वन काइंड ऑफ मोनोमर, ऐसा पॉलीमर जो केवल एक ही सिंगल टाइप के बहुत सारे मोनोमर से मिलके बना हो, सिंगल यूनिट से, सिंगल टाइप के मोनोमर यूनिट से बार बार रिपीट करके बना हो, उसे होमोपॉलीमर बोलते हैं। बेहतरीन एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं पॉलीथीन सर कैसे, एथीन के बहुत सारे मोनोमर जुड़ते हैं, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड किसके यूनिट से बनता है, विनाइल क्लोराइड के बहुत सारे यूनिट से, नेचुरल रबर
बात करेंगे अभी आइसोप्रीन से, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है, पेन एक्राइलोनाइट्राइल के बहुत सारे यूनिट। तो ये सारे के सारे किस बात के एग्जाम्पल है, होमोपॉलीमराइजेशन या होमोपॉलीमर के बेहतरीन एग्जाम्पल है। सब बात समझिएगा, ये सब याद करने की जरूरत नहीं होती, सेंस समझने की जरूरत होती है कि होमोपॉलीमर का एक्चुअली मीनिंग क्या है, राइट। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट। अब जब होमोपॉलीमर अगर सब समझ में आ गया है, तो अगर आप देखें तो दूसरा टर्म्स आपके सामने आया कोपॉलीमर। कोपॉलीमर क्या होता है, कोपॉलीमर होता है, या उसे आप दो नाम से बोले, कोपॉलीमर बोले या मिक्स्ड पॉलीमर बोले। होमोपॉलीमर एक ही टाइप के मोनोमर यूनिट बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो जो पॉलीमर यूनिट तैयार होता है उसे क्या पढ़ते हैं, होमोपॉलीमराइजेशन या होमोपॉलीमर उसे बोलते हैं। और अब जब दो एक से ज्यादा मोनोमर यूनिट, क्या बोला गया है मुझे, दीज आर यूजली फॉर्म्ड मोर देन वन काइंड ऑफ मोनोमर। ये बनता है जब एक से ज्यादा मोनोमर यूनिट इन्वॉल्व होते हैं, एक से ज्यादा दो तीन कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक से ज्यादा मोनोमर यूनिट जब आपस में मिल के जो पॉलीमर बनाते हैं उसे कोपॉलीमर या मिक्स्ड पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस टर्म्स को भी समझिएगा, पूछा जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर मेड बाय कोपॉलीमराइजेशन, राइट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज मेड बाय कोपॉलीमराइजेशन या मिक्स्ड पॉलीमराइजेशन, ऐसे क्वेश्चन के स्टेटमेंट में लिख दिया जाएगा और यू हैव टू गिव इन फोर ऑप्शंस, राइट, चार अप्रोप्रिएट ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। बेहतरीन एग्जांपल की अगर मैं बात करूं कोपॉलीमर का, नायलॉन 66, ठीक है, नायलॉन 66। अब जितने बच्चे 12th पास आउट हैं जी या ड्रॉपर्स हैं उन्हें पता होगा, क्योंकि उन्होंने एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन तरीके तैयारी की होती है, कि नायलॉन 66 किससे मिलके बनता है, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन एंड एडिपिक एसिड। तो दो मोनोमर यूनिट जुड़े। सेकेंडली आपके पास है बेकेलाइट, 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 वेरी फेमस एग्जाम्पल बेकेलाइट, इतना आ चुका है कि हर बच्चे को याद है, हर बच्चे को याद है, हर किसी को याद रहता है कि बेकेलाइट क्या है, क्योंकि ये बोर्ड में रटा दिया जाता है और कई बार एग्जाम में, हर सिंगल एग्जाम में ये तीन से चार बार क्वेश्चन पूछा गया, चाहे जो भी एग्जाम हो, बेकेलाइट के बारे में, राइट। बेकेलाइट मैं बात करूंगा, फिनाइल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ब्यूना एस एंड ब्यूना एन भी आपका कोपॉलीमराइजेशन है, ब्यूटाडाइन स्टाइरीन से और ब्यूटाडाइन एक्राइलोनाइट्राइल से, राइट। तो इस तरीके से आपके ये आपके सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये सारे एग्जाम्पल आपके हैं कोपॉलीमराइजेशन के। तो एक सारी बातों को बेहतरीन तरीके समझिएगा, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके क्या हैं, कोपॉलीमराइजेशन से, ठीक है। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाई कोपॉलीमराइजेशन, क्योंकि अब थोड़ा सा फैशन बदल गया है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का फैशन बदल गया है। सर फैशन क्या बदल गया है, अब सिंगल क्वेश्चन की सिंगल इंफॉर्मेशन नहीं पूछता, अब वो मल्टीपल इंफॉर्मेशन आपसे चाहता है। तो मल्टीपल इंफॉर्मेशन पूछने का यही तरीका है कि आपके हर ऑप्शन में कुछ ए बी सी कुछ, मतलब तीन अलग अलग पॉलीमर दे दें और तीन तीन के पेयर आपको बना दें, ठीक है, तीन 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 का सेट बना दें आपको, और बोल दे कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ पॉलीमर मेड बाई कोपॉलीमराइजेशन, मार्क माई वर्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ पॉलीमर इज मेड बाई कोपॉलीमराइजेशन, राइट। और तीन डिफरेंट पॉलीमर अगर चार ऑप्शन में लिखे होंगे तो आप सोच लीजिए, 3, 4, 12 पॉलीमर उनके पास ऑप्शन होगा लिखने के लिए, यानी इंफॉर्मेशन ज्यादा, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। और कभी कभी होता है कि एक एक ऑप्शन ही दे दिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनर कि वो कैसा आपसे पूछना चाहता है, राइट। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको हमेशा बताता चलूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसके लिए आप तैयार रहेंगे। ओके ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट। लीनियर या स्ट्रेट चेन पॉलीमर, राइट, लीनियर या स्ट्रेट चेन पॉलीमर ये भी पूछा जा सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर या अनब्रांच्ड पॉलीमर, राइट, दे कंसिस्ट लॉन्ग या स्ट्रेट चेन। बात देखिए, लीनियर वही होगा जो लॉन्ग स्ट्रेट चेन होगा। कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे,
एमाइलोज, याद है आपको एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दो के बारे में हम लोगों ने बात किया था जो स्टार्च के कंपोनेंट थे। एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन दो के बारे में मैंने आपसे बोला था जो स्टार्च के कंपोनेंट थे। मैंने बताया बेहतरीन तरीके कुछ इसमें डिजाइन किए जाते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी पे, उनके स्ट्रक्चर पे, उनके ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पे, उनके ब्रांच लिंकेज पे, उसके कंपोजिशन पे, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप दिल से पढ़ने के मूड में होते हैं तो आप इसका मतलब इसके जानने के इच्छुक होते हैं सर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और ये करने के लिए मैं हमेशा से बोलता हूँ कि सर आपको आपको इन सब की जानकारी के लिए हमेशा से PYQ, सर ये PYQ क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टच में रहना पड़ता है। ईच एंड एवरी चैप्टर व्हिच आई फिनिश, जो भी चैप्टर आप खत्म कर लेते हो पढ़ के, आप थ्योरी वाइज, नोट्स वाइज, लेक्चर वाइज, उसके हर क्वेश्चन को आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। चाहे जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे आप नीट के स्टूडेंट हो, चाहे जेई के स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी भी इंजीनियरिंग या मेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम दे रहे हो जिसमें आपका सिलेबस हो, राइट, इवन हर एग्जाम के लिए आपको PYQ देखना पड़ता है। सर PYQ क्यों, PYQ इसलिए देखते रहते हैं, प्लीज साथ में नोट करते रहेंगे जिन लोगों का छूट गया, PYQ इसलिए देखते रहते हैं जिससे आपको एक आइडिया लगे कि मैं जो पढ़ रहा हूँ क्या स्ट्रेट डायरेक्शन में पढ़ रहा हूँ, क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ क्या वो यूटिलाइज कर पा रहा हूँ, क्या मेरे पढ़े हुए कंटेंट एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं या नहीं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्या है सर, ब्रांच चेन पॉलीमर। स्ट्रेट चेन की बात ऑब्वियस सी बात है, ब्रांच चेन के बारे में भी बात होगी। ब्रांच चेन पॉलीमर कौन से होते हैं इसके बारे में बात करना, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर कौन से होते हैं देखेंगे। दिस पॉलीमर आप कंटेन लीनियर चेन, लीनियर भी होंगे बट हैविंग सम ब्रांच, ऐसे पॉलीमर जिसमें लीनियर चेन होंगे ही होंगे बट उसमें कुछ ब्रांचेस भी होंगे, कुछ ब्रांचेस भी होगी, जैसे एमाइलोज था लीनियर था, देख रहे थे। अब एमाइलोपेक्टिन इसका एग्जांपल होगा, डेफिनेटली यहां पे इसका एग्जांपल होगा। तो आगे बढ़ते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन जिसे LDPE हम पढ़ते हैं, अभी हम बात करेंगे लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, सब किसी के बारे में बात होगी। ग्लाइकोजन ये भी आपका ब्रांच था ऑब्वियसली, एमाइलोपेक्टिन एमाइलोज आपका एन ब्रांच था इसीलिए उस एग्जांपल में था, और एमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, C1 C6 के अबाउट ब्रांच होता है, मैंने लिखाया, राइट। तो मार्क माय वर्ड, हर एक बातें बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एकदम सुपर तरीके से आप नोट करते हुए चलेंगे तभी आपको मजा आएगा, तभी आप बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि मैं साथ साथ आपके क्वेश्चन भी कराता चलूंगा, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ नंबर क्लासिफिकेशन है क्रॉस लिंक या नेटवर्क पॉलीमर। क्रॉस लिंक या नेटवर्क पॉलीमर, ध्यान दीजिएगा थ्योरेटिकल पेपर आता है, हर एक पॉइंट, हर एक लाइन, हर एक नेम, हर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई न्यूमेरिकल डाटा नहीं आता कि फॉर्मूला रखा और वैल्यू पुट कर लिया, पूछ लिया जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज ए नेटवर्क पॉलीमर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज क्रॉस लिंक पॉलीमर, देख रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपके एग्जाम आपके पास होना चाहिए, इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। सर ये किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ इस तरीके से पूछेगा, राइट। दीज आर यूजुअली फॉर्म्ड, यूजुअली फॉर्म्ड बाई फंक्शनल एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर, कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर चेन, ठीक है। क्या होता है ये, यानी बाई फंक्शनल ट्राई फंक्शनल अगर कंपाउंड है, बाई फंक्शनल ट्राई फंक्शनल कंपाउंड है, तो उस वो बाई फंक्शनल ट्राई फंक्शनल कंपाउंड जब जुड़ेंगे स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, तो जो कंपाउंड, जो पॉलीमर बनेगा, वो पॉलीमर क्या बोला जाएगा, वो पॉलीमर बोला जाएगा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर या नेटवर्क या 3D नेटवर्क पॉलीमर, राइट। बेहतरीन तरीके का एग्जांपल आपके पास बेकेलाइट, हर एग्जाम में कम से कम ये कई बार पूछा जा चुका है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं तो एवरी सिंगल एग्जाम द क्वेश्चन इज आस्क्ड मोर देन 3 times, 3 बार से ज़्यादा 4 बार भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हर बार पूछता है, कभी उसके मोनोमर, कभी पॉलीमर, कभी उसकी प्रॉपर्टी, हर एक बार, ठीक है। बट अब जो मैं दूसरी बात आपको मार्क करने के लिए बोल रहा हूँ, दैट इज मेलामाइन। बेकेलाइट बहुत ही फेमस हो चुका है बट मेलामाइन बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है,
बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, अभी मैं आगे इसके बारे में बात करूँगा। तो अब 3D नेटवर्क पॉलीमर के एग्जाम्पल में, क्रॉस लिंक पॉलीमर के एग्जाम्पल में बैकेलाइट तो आपने मार्क किया, बैकेलाइट आपने मार्क किया है, बट अब आपको क्या मार्क करने की ज़रूरत है? मेलामाइन। अभी हम लोग मोड ऑफ प्रिपरेशन में मेलामाइन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे जो एग्ज़ाम में बेहतरीन तरीके से पूछा जाता है, पूछा भी गया है, राइट। बट ध्यान रखिएगा, जब कंपैरिजन हो बेकेलाइट और मेलामाइन की, तो बेकेलाइट बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस है। आप चलते फिरते किसी से पूछ लोगे कि बेकेलाइट के बारे में जानते हो, कहेगा ऑब्वियसली बेकेलाइट एक 3D नेटवर्क पॉलीमर है, मोनोमर क्या है? फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड है। मतलब बच्चे बच्चे को यार पता है, तो ये जो बच्चे बच्चों को पता है वो एग्जाम में थोड़ा सा ढीला हो जाता है। बट मेलामाइन, मेलामाइन फेमस नहीं। किसी से पूछोगे मेलामाइन, मेला मेला तो अभी आया नहीं, मेला तो आएगा नवरात्रि में। बोलोगे मैं मेलामाइन की बात करूँ, मैं तो कह मैं भी तो बात करूँ मेला की, तो वो दूसरे मेला की बात करेगा, आप दूसरे मेला की बात करोगे, तो बहुत ही फेमस नहीं है, राइट। तो जो फेमस नहीं है वो फेमस होना चाहता है, जो फेमस नहीं वो फेमस होना चाहता है, वो फेमस तभी होगा जब बार 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 आएगा एग्जाम में, तो इसके आने के चांसेस ज़्यादा है। तो मार्क करेंगे इस वर्ड को, कौन से वर्ड को सर? मेलामाइन। मेलामाइन किस में लिखना है हमें? नेटवर्क पॉलीमर में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई जस्ट होप कि सब लोग बेहतरीन तरीके साथ में चल रहे होंगे, सुपर तरीके साथ में चल रहे होंगे, और हर एक पॉइंट को बेहतरीन तरीके से मार्क करते हुए चल रहे होंगे, राइट। मूव ऑन द नेक्स्ट। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, राइट। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बारे में बात कर रहा हूं मैं, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में अगर आप देखेंगे, सबसे पहले एडिशन पॉलीमर या चैन ग्रोथ पॉलीमर, राइट। क्या एडिशन पॉलीमर या उसी को चैन ग्रोथ पॉलीमर बोलते हैं? बेहतरीन तरीके से साथ में सब लोग चल रहे हैं, कितनी बात बेहतरीन तरीके से बात समझ में आ रही है? चलिए एक एक पॉइंट आप बेहतरीन तरीके से लिखते चलेंगे, राइट। चलिए आगे बात करते हैं, क्या है द एडिशन पॉलीमर? द एडिशन पॉलीमर आर फॉर्म्ड बाई रिपीटेड एडिशन मोनोमर, रिपीटेड एडिशन मोनोमर मॉलिक्यूल पजेजिंग, राइट डाउन दिस, पजेजिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड। यानी सर क्या कह रहे हैं आप? एडिशन पॉलीमर या चैन ग्रोथ पॉलीमर ऐसे कंपाउंड में शो किया जाएगा जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो? यस एब्सोल्युटली। जिसके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, जिस मोनोमर के पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो कंपाउंड एडिशन पॉलीमर के थ्रू जाएगा। ये सर कोई नई बात नहीं, हम इस बात को जानते हैं, जीओसी से इस बात को जानते हैं। जब आपने एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल कराया था, इसमें आपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराया था, फ्री रेडिकल एडिशन कराया था, सर दोनों ही दोनों कंपाउंड एल्कीनोल का शो करते हैं। अरे वाह, आपको पता, बताइए बेहतरीन तरीके से। तो सर इसका मतलब ये है कि अगर हमसे पूछा जाए कि आपके पास स्टायरीन दे दिया जाए, एथीन दे दिया जाए, टेफ्लॉन दे दिया जाए, ये सब किसके एग्जांपल हैं? ऑब्वियसली एडिशन पॉलीमर के एग्जांपल है, चैन ग्रोथ पॉलीमर के एग्जांपल है। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा? क्वेश्चन इस तरह से इसमें पूछा जाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज एन एग्जाम्पल ऑफ चैन ग्रोथ पॉलीमर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज एन एग्जाम्पल ऑफ चैन ग्रोथ पॉलीमर या एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर इज अ वेरी प्रसाइसली एंड वेरी कॉमन, बट यू कैन यूज द नेम ऑफ चैन ग्रोथ पॉलीमर, राइट। ओके, तो आई होप कि आप बेहतरीन तरीके से साथ में चल रहे होंगे और हर चीज को सुपर तरीके से नोट कर रहे होंगे। सबसे पहला एग्जांपल आपके पास है एथीन, राइट। एथीन को बेंजोइल पराक्साइड, इसका नाम होता है बेंजोइल पराक्साइड, बेंजोइल पराक्साइड, राइट। पराक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन हम कराते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू होता है? इवन हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बारे में, फ्री रेडिकल एडिशन के बारे में बात कर रहे हैं, फ्री रेडिकल एडिशन, आयनिक मैकेनिज्म भी होता है, बट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बारे में ही ज़्यादा प्रिसाइसली हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये फ्री रेडिकल एडिशन हो रहा है, एथीन के एन यूनिट जुड़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा CH2 का होल एन बन रहा है, इसी को हम पॉलीथीन बोल रहे हैं। सर पॉलीथीन, हाँ,
एथीन के बहुत सारी यूनिट, सर बहुत सारी मतलब एन, एन का मतलब मेनी, तो एथीन से पॉलीथीन। अब आप देखिए पॉली का मतलब क्या है, मेनी या बहुत सारे, राइट। एथीन बहुत सारे एथीन अगर जुड़ रहे हैं तो उसे पॉलीथीन बोल रहा हूँ, बेहतरीन। तो ये जो पॉलीथीन है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और पराक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है, पराक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन परफॉर्म होता है, बेहतरीन तरीके से सब लोग साथ में चल रहे हैं, एक एक बात नोट करते हुए चल रहे हैं, राइट। चलिए अब सर इसका एग्जाम्पल, सॉरी इसका मैकेनिज्म, हाँ मैकेनिज्म आप चाहो तो बेहतरीन तरीके से मैकेनिज्म कर सकते हो, लेकिन मैकेनिज्म मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, चलिए कोई बात नहीं, मैं एक शॉर्ट में इसका मैकेनिज्म बता देता हूँ, तो मैं क्या हटा दूँ इसे, चलिए आगे बढ़ते, ओके मैकेनिज्म की बात करते हैं, राइट। बहुत ही डिटेल मैकेनिज्म के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। देखिए तीन स्टेप की मैकेनिज्म होती है, सब कोई जानता है ये सर, तीन स्टेप की, यस। स्टेप वन क्या होता है, स्टेप वन क्या होता है, स्टेप वन होता है इनिशिएशन, जिसे हम बोलते हैं चैन इनिशिएशन, चैन इनिशिएशन, राइट, चैन इनिशिएशन। चैन इनिशिएशन में क्या होता है, चैन इनिशिएशन में पराक्साइड रेडिकल बनते हैं, बेंजोइल पराक्साइड C6H5 COO, ये पराक्साइड जनरेट होता है, यहाँ से लाइट के प्रेजेंस में या स्लाइटली हीट के प्रेजेंस में इसको करोगे तो आपको मिल जाएगा 2 times ऑफ C6H5 C double bond O, दिस बेंजोइल फ्री रेडिकल मिलेगा, ठीक है। अब ये बेंजोइल पराक्साइड जो आपके सामने ये लिखा गया, ये क्या था आपके पास, बेंजोइल पराक्साइड, राइट, बेंजोइल पराक्साइड, ठीक है। तो ये बेंजोइल पराक्साइड आपके सामने था, तो वो आपके पास जो बेंजोइल पराक्साइड है फर्दर आगे आएगा, 2 times ऑफ C6H5 C double bond O रेडिकल, ठीक है। ये क्या करेगा, ये फिर से आपको यहाँ से रेडिकली ब्रेक होगा, यहाँ से भी रेडिकली ब्रेक होगा, तो आपको मिलेगा 2 times ऑफ C6H5 फेनिल रेडिकल, और अगर आप अच्छे से देख पा रहे होंगे 2 mole ऑफ CO2 निकल जाएगा। कैसे सर CO2 निकल जाएगा, एक रेडिकल यहाँ आएगा, एक रेडिकल यहाँ आएगा, ये रेडिकल आपस में कंबाइन होके डबल बॉन्ड बना लेंगे, और C double bond O एक ऑलरेडी था, एक C double bond O और आ गया, तो वो मिलकर CO2 बना देंगे, ये फेनिल रेडिकल बन गया, राइट। फेनिल रेडिकल अगर आप देखें तो फेनिल रेडिकल आपके पास क्या करेगा, C6H5 C6H5 जो ये रेडिकल आपके पास बना है, ये अब एथीन के साथ प्रोपगेट करेगा, ठीक है, इस तरीके से। कैसे प्रोपगेट करेगा, अब ये एथीन आया, एथीन के भी पाई बॉन्ड रेडिकली ब्रेक होंगे, एथीन के पाई बॉन्ड रेडिकली ब्रेक होंगे, एक रेडिकल यहां बनेगा, राइट। अब जो ये रेडिकल आपके पास नया बन रहा है, ये रेडिकल और ये इथाइल वाला रेडिकल मिलके आपस में कंबाइन कर लेंगे, अब ये दोनों जब मिलके आपस में कंबाइन करेंगे तो मिलेगा C6H5, आगे क्या मिलेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 आपको मिलेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड दिस इज रेडिकल, ये आपको मिल जाएगा रेडिकल। अब आगे मुझे और आगे बढ़ाना है, इतनी बात आप बेहतरीन तरीके से नोट कर लेंगे, ठीक है, इतनी बात आप बेहतरीन तरीके से नोट कर लेंगे, ये आपके पास क्या है, फेनिल रेडिकल, ठीक है, आपके पास क्या है, फेनिल रेडिकल, ठीक है, मुझे स्पेस की रिक्वायरमेंट है, इसे आप नोट कर लेंगे, ओके, एक मिनट, ऐसा करते हैं इसको पीछे लिखते हैं यहाँ पे, तो यह उतना नोट कर लिया आपने, सॉरी कुछ इतना लिखा होगा, ठीक है, आपने लिखा होगा C6H5, ठीक है, और C double bond O एंड दिस इज C6H5। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ तेजी से, इसको जब ब्रेक करोगे आपको तो ये कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है, पराक्साइड यहाँ पे चाहिए ना, तो यहाँ पे O C double bond O C6
एस फाइव चाहिए, फाइन। अब ये जब पराक्साइड रेडिकल क्या करेगा, कुछ इस तरीके से ब्रेक डाउन होगा, कुछ इस तरीके से, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे टू टाइम्स ऑफ सी सिक्स एच फाइव सी डबल बॉन्ड ओ दिस बेंजोइल फ्री रेडिकल, ठीक है, चाइनीज नेशन की बात कर रहा हूँ। फिर आगे क्या होगा, सी सिक्स एच फाइव सी डबल बॉन्ड ओ रेडिकल, ये टू टाइम्स, और अब क्या करेंगे यहां से, ओ आई एम सो सॉरी, ठीक है, यहां से फिर से ब्रेक हो जाएगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। अब इस तरीके से जब ब्रेक होगा तो आपको मिलेगा टू टाइम्स ऑफ सी सिक्स एच फाइव रेडिकल एंड टू टाइम्स ऑफ सी ओ टू, ये पुरानी वाली बात है जब हम लोग पीछे स्क्रीन पे बात कर चुके हैं। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा फेनिल रेडिकल, क्या मिल जाएगा, फेनिल फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, ठीक है। ये फ्री फेनिल फ्री रेडिकल क्या करेगा, सी सिक्स एच फाइव रेडिकल क्या करेगा, एथीन के मोनोमर के साथ प्रोपगेट करेगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे जो नया रेडिकल बनेगा, एक यहाँ पे रेडिकल बनेगा, आराम से देखिए पाई बॉन्ड जब होमोलिटिकली ब्रेक डाउन होगा तो आपको यहाँ से इसके साथ ये जुड़ेगा, तो आपको मिलेगा सी सिक्स एच फाइव, यहाँ पे सी एच टू, यहाँ पे सी एच टू रेडिकल, ठीक है। यही बात हम लोग पीछे वाली स्लाइड पे कर रहे थे, ये आपका इनिशिएशन स्टेप था, बेहतरीन तरीके से इतना आप नोट कर लेंगे फिर आगे बात करेंगे, राइट, ओके, साथ में नोट कर चुके होंगे, चलिए आगे बढ़ते। अब ये आपका जो पहला स्टेप था, ये स्टेप आपका था जब हम फेनिल रेडिकल को रिएक्शन करा रहे हैं, यानी स्टेप वन था, ओके। अब हम बात करते हैं स्टेप टू की, स्टेप टू, स्टेप वन जो आपका था वो चेन इनिशिएशन हम लोग बोल रहे थे, अब स्टेप टू आपका है चेन प्रोपगेशन, चेन प्रोपगेशन, राइट, चेन प्रोपगेशन, चेन प्रोपगेशन में क्या होता है, प्रोपगेट करेगा चेन, आगे बढ़ेगा, राइट, यानी सी एस टू, सी एस टू फ्री रेडिकल, ये बन गया। अब क्या करेगा, एक और यूनिट आएगा, किसका, एथीन का एक और यूनिट आएगा, एक यूनिट और आएगा, अब चैन प्रोपगेट करेगा, धीरे 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 आगे बढ़ेगा, वो क्या करेगा, वो भी रेडिकली ब्रेक होगा, एक रेडिकल यहां, एक रेडिकल यहां, बेहतरीन तरीके से देख रहे हो। फिर ये वाला बाण इस वाले रेडिकल से जुड़ेगा, चैन थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, चैन बड़ी हो जाएगी, क्या बनेगा, बनेगा आपके पास सी सिक्स एच फाइव सी एस टू सी एस टू सी एस टू सी एस टू रेडिकल, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अब ये प्रोसेस जो है आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, यानी एक यूनिट आपका, अगर हमें और लिख दूँ यहाँ पे, और एक यूनिट ऐसे ना लिख के अगर मैं बोल दूँ यार इसके दो यूनिट, सॉरी एन यूनिट ऐसे प्रोपगेट करें, यानी प्रोपगेशन वाले स्टेप में एन मोनोमर जुड़ जाए, तो आपको क्या मिलेगा, जरा देखिएगा, सी सिक्स एच फाइव सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू यहाँ पर रेडिकल। लेकिन अगर आप और बेहतरीन ढंग से इसको देखना चाह रहे हो तो ये वाला पार्ट एन टाइम्स बढ़ चुका होगा, कैसे सर एन टाइम्स बढ़ चुका होगा, क्योंकि सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू का जो रेडिकल जुड़ेगा वो एन टाइम्स बढ़ चुका होगा, तो यार यही सी एच टू एन टू तो एन टाइम बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब क्या कर सकते हैं सर, अब ये प्रोपगेशन स्टेप था जिसमें चैन अलग अलग चैन ग्रो कर रही थी, इसीलिए चैन ग्रोथ पॉलीमर इसे बोलते हैं, ठीक है, सॉरी यस एग्जैक्टली चैन ग्रोथ पॉलीमर बोलते हैं, राइट। तो इसके बारे में अगर हम बात करें, अब आपका स्टेप आखिरी है, यानी टर्मिनेशन स्टेप की बात हो रही है, ये आपका स्टेप कौन सा चल रहा था, चैन प्रोपगेशन, सब लोग साथ में चल रहे हैं, बेहतरीन तरीके से नोट करते चल रहे हैं। तो ये रेडिकल आपको प्रोपगेट करते हुए नजर आ रहे होंगे, मैं इसे हटाने वाला हूँ, राइट, ओके, तो देखता हूँ मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ये आपका प्रोपगेशन स्टेप था। अब लास्ट का स्टेप है स्टेप सॉरी स्टेप थ्री, स्टेप थ्री क्या है, स्टेप थ्री है चैन टर्मिनेशन, चैन टर्मिनेशन,
चैन टर्मिनेशन। चैन टर्मिनेशन में क्या होता है, यही जो आपका स्टेप आखिरी में आया C6H5CH2CH2CH2CH2 समथिंग लाइक दैट, और यहाँ पे जो आपका होल एन बना हुआ है और ये रेडिकल आपके पास बना हुआ है, इसी के दो यूनिट जुड़ते हैं, इसी के दो यूनिट आपस में जुड़ जाते हैं। सर आपस में जुड़ जाते हैं क्या बनता है, अब एक रेडिकल ये दूसरा रेडिकल इसी का खुद का, जरा देखो क्या बन जाएगा C6H5CH2CH2CH2CH2CH2CH2, कुछ इस तरीके से। और क्या देखते रहेंगे, थोड़ा सा मुझे स्पेस और चाहिए, ठीक है, ओके, अगेन CH2CH2। इतनी बार सर CH2 क्यों, क्योंकि फोर टाइम्स यहाँ पे हैं तो इसके दूसरे पे फोर टाइम्स होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स हो गया, और यहाँ पे आएगा C6H5। अब N कहाँ पे लगा हुआ है, सर यहाँ पे N लगा हुआ है और यहाँ पे N लगा हुआ है, राइट, ये आ गया। अब एक बात बताओ, ये N यूनिट इधर, एक N यूनिट इधर, तो क्या अब आखिरी में हम अगर इसको जोड़ दें CH2 को, तो यार ये भी N, ये भी N, ये दो यूनिट और जुड़ जाएंगे या ये दोनों पार्ट जुड़ेंगे, तो N एक बड़ा नंबर है, तो क्या फर्क पड़ता है अगर सबका N हो जाए, तो इसका क्या मतलब होगा, क्या इतना सब लोग साथ में चल रहे हैं, यार इतनी बात सब लोग साथ में नोट करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पेस लेने के इसे और ऊपर करूँगा, राइट, ओके। तो अब क्या करना होगा, जैसे ये यूनिट आपके सामने लिख दिया गया है, अब इसकी बजाय अगर मैं ऐसे लिख दूँ C6H5CH2CH2C6H5 एंड दिस इज होल टाइम्स ऑफ N, शायद किसी को बुरा नहीं लगेगा इस बात पे, इस तरह आपने इतना छोटा क्यों कर दिया, क्यों, क्योंकि ये N टाइम्स है, ये N टाइम्स, यार दोनों मिल गए N टाइम्स हो गया, और एक CH2CH2 दो CH2 और जुड़ गए, ठीक है यार, ठीक है। अब यार ये रेडिकली फाइनली हमें N बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए हमें यहाँ से इसको फ्री कर देते हैं इसको, और इसको फ्री करने के बाद हम इसको एक दूसरे तरीके से लिखते हैं, क्या लिखते हैं सर, इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं CH2CH2, और ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है तो बहुत दूर तक हम जाते नहीं, और इसको हम होल N कर देते हैं, राइट, यही आपका है पॉलीथीन पॉलीमर, राइट, ये आपका क्या है पॉलीथीन पॉलीमर, ठीक है, आराम से नोट कर लीजिए, हर एक सिंगल वर्ड को आप बेहतरीन तरीके से नोट करते हुए चलेंगे, राइट, चलिए तो हम वापस चलें, तो आप देख लीजिए आराम से ये सारी बातें, हम लोगों ने यहाँ से बातें शुरू की, ये चैन प्रोपेगेशन को यहाँ से देखा, फिर चैन टर्मिनेशन आखिरी स्टेप था, थर्ड स्टेप था, चैन टर्मिनेशन में हमने यहाँ पे पॉलीथीन फाइनली प्रिपेयर कर लिया, राइट, ये आपका पॉलीथीन, ठीक है, चलिए जहाँ पे यार आपको आवश्यकता लगे, ठीक है, थोड़ी देर बाद ये वीडियो आपको जो मिल जाएगा अपने तरीके से, तो इसे आप पॉज कर लीजिएगा स्क्रीन को, इसीलिए मैं हिडन नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा पास दूर रहता हूँ स्क्रीन के, जिससे आप अपने आवश्यकता अनुसार इसे आप पॉज कर लें और अपने बेहतरीन तरीके से आप इसको नोटेड डाउन कर लें, राइट, नोट कर लें, चलिए तो वापस आते हैं, तो ठीक है, तो ये प्रोपगेशन हम लोगों ने बात कर लिया, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात अगर हम लोग करें कंडेंसेशन पॉलीमर्स, राइट, कंडेंसेशन पॉलीमर अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कंडेंसेशन पॉलीमर, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है, बेहतरीन तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर, क्या सर, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर, तो बेहतरीन तरीके से एग्जाम में आपके आएगा कि कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल क्या है, तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज कंडेंसेशन पॉलीमर, राइट, कंडेंसेशन पॉलीमर, इट इज ए टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर लिंक्ड टूगेदर बाई द इलिमिनेशन ऑफ ए स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज वाटर, एल्कोहल, अमोनिया एक्सेट्रा, सर इसका क्या मतलब है, बोला गया है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एक ऐसा एग्जाम्पल है जब
पॉलीमर कंडेंस होंगे थ्रू द एलिमिनेशन ऑफ ए स्मॉल मॉलिक्यूल। सर वो स्मॉल मॉलिक्यूल क्या होगा, वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, अमोनिया हो सकता है। उस सिचुएशन में जो पॉलीमर आपका प्रिपेयर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमर बोलेंगे, राइट? क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमर। तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर वाटर निकलना है तो दैट मस्ट बी बाई फंक्शनल ग्रुप, अगर आपको अमोनिया निकलना है देन ऑल्सो मस्ट बी बाई फंक्शनल ग्रुप। तो यानी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल डेरिवेटिव में ही पॉसिबल है, ये थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा, राइट? ठीक है, ओके। तो ये छोटी सी बात समझ में आई होगी कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का क्या मतलब है, ठीक है? देखते हैं एग्जांपल क्या हो सकता है कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है? आगे बोला गया दिस रिएक्शन इज टेक प्लेस स्टेप बाय स्टेप, टेक प्लेस स्टेप बाय स्टेप, देयरफॉर इस पॉलीमराइजेशन इज आल्सो कॉल्ड स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। एक फिर से एक नया नाम आया, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। मार्क माय वर्ड, आपके एग्जाम में अगर एग्जांपल बहुत बार पूछा जा चुका है कि कंडेंसेशन पॉलीमर क्या है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या है, अब इस तरह से पूछा जा सकता है कि स्टेप ग्रोथ पॉलीमर क्या है। वो चेन ग्रोथ था, ये स्टेप ग्रोथ है, स्टेप बाय स्टेप चेन ग्रोथ कर रही है थ्रू द कंडेंसेशन, राइट? एग्जाम्पल सर कौन कौन से हैं? बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल आपके पास इसमें है, कौन कौन से, देखिए टेरिलीन जिसे हम डेक्रॉन बोलते हैं, दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, टेरिलीन एंड डेक्रॉन, राइट? दोनों नाम आपका है। अच्छा, इसी के साथ आप चाहते हैं एक और एडिशन कर सकते हैं, ग्लिप्टल, ठीक है? जैसे टेरिलीन डेक्रॉन दोनों एक है, वैसे दूसरा है ग्लिप्टल। अभी हम लोग मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में इसके बारे में बात करेंगे कैसे बनेगा, ठीक है? तो सर कंडेंसेशन का एग्जांपल क्या है, कंडेंसेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमर का एग्जांपल है टेरिलीन जिसे डेक्रॉन भी कहते हैं, दूसरा है ग्लिप्टल, नायलॉन 6, 6, 9, 6, 9, 6, 10, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल है, कंडेंसेशन पॉलीमर की एग्जाम्पल है या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल है, राइट? ओके, चलो एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे एक प्रिपरेशन मैंने यहाँ आपको बताई है, एक प्रिपरेशन मैंने यहाँ पे बताई, कौन सी प्रिपरेशन, लुक एट दिस, ये प्रिपरेशन अगर आप देखें, हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन NH2CH2 का होल 6 NH2, इसे हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन पढ़ते हैं और इसे दूसरे को ADP के एसिड पढ़ते हैं, COOH CH2 का होल 4 COOH, ADP के एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है, आपको पता होना चाहिए कि ADP के एसिड क्या होता है, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, इसका IBC नाम होता है हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, जिसे हम क्या बोलते हैं, ADP के एसिड बोलते हैं। अब जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो एमाइंस 1H और OH निकल जाता है वाटर, और ये बहुत सारे जब N यूनिट आपस में कंडेंस होंगे तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, तो बनेगा आपका नायलॉन 6, 6, नायलॉन 6, 6 को हम पॉलीएमाइड भी पढ़ सकते हैं। पॉलीएमाइड सर क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें एमाइड लिंकेज है और ये एमाइड लिंकेज N टाइम्स आएगा, तो एमाइड अगर मोर देन टाइम्स रिपीट करेगा तो उसे हम पॉलीएमाइड ही तो पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा नायलॉन 6, 6 इज ए एग्जाम्पल ऑफ पॉलीएमाइड आल्सो, राइट? पॉलीएमाइड, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन आपको क्या प्रिपेयर करेंगे, नायलॉन 6, 6। एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, द फॉर्मेशन ऑफ नायलॉन 6, 6 इज एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीमराइजेशन और कोपॉलीमराइजेशन, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, ये एग्जाम्पल किसका है, होमोपॉलीमराइजेशन का या कोपॉलीमराइजेशन का, बेहतरीन तरीके से इसको कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करेंगे, राइट? चलो, काफी लोगों को पता चल गया होगा कि सर ये दो मोनोमर यूनिट से मिलके बन रहा है तो ये मिक्स्ड पॉलीमर है या कोपॉलीमर है, यानी ये इसका मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है, कोपॉलीमराइजेशन या मिक्स्ड पॉलीमराइजेशन। बेहतरीन तरीके से सब लोग साथ में चल रहे हैं, ओके, सुपर, नोट इट डाउन, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके प्रिपरेशन की, ये कैसे बना होगा, राइट, यानी ये बार 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 रिपीट कैसे हुआ होगा, तो अगर मैं एक क्विक शॉट आपको बताना चाहूँ इस तरीके से, कोई इसमें मैकेनिज्म जैसी बात नहीं है, जैसे आपके पास हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइड है, राइट, ये आपके पास हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइड है, इसका आपके पास क्या आ गया, होल सिक्स आ गया और ये NH2 हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइड, और इसके साथ रिएक्शन हो रहा है एडिपिक एसिड की, राइट, एडिपिक एसिड यानी CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OOH, यहाँ पे आपका होल 4। अब ये जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो आप यहाँ से देखिए कुछ इस तरीके से, यहाँ से एक H निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा, ठीक है, जब ये आपस में यहाँ से H और OH निकालेंगे तो आपको यहाँ से -H2O निकलेगा, राइट, -H2O निकलेगा और ये जुड़ जाएंगे थ्रू एमाइड लिंकेज, कैसे, यहाँ पे अगर आप देखिए यहाँ पे H2, यहाँ पे N, CH2 का होल 6, यहाँ पे N, H, दिस इज CO एंड दिस इज CH2 का होल 4 एंड दिस इज CO एंड OH, राइट, और अब अगर आप इसको देखें तो इसी को हम बोल रहे थे एमाइड लिंकेज, राइट, लेकिन अभी अगर आप देखें तो दो यूनिट जुड़े हुए हैं। अच्छा, इसी प्रोसेस को अगर हम लोग और आगे बढ़ाएं तो क्या आगे बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे आपके पास OH है तो अगर इसके आगे एक यूनिट NH यानी हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन का और ऐड कर दें, राइट, तो आगे और चेन बढ़ती चली जाएगी और आगे चेन बढ़ती चली जाएगी, और इधर भी सिंपली अगर हम एडिपिक एसिड को और ऐड कर दें HOC डबल बॉन्ड OCH2 का होल 4 एंड C डबल बॉन्ड OH इसको ऐड कर दें, तो आप देख रहे हैं कि एक स्टेप में इस एक बार वाटर निकला, दूसरे स्टेप में फिर से यहाँ से वाटर निकलेगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, तीसरे स्टेप में आप फिर से देखिए यहाँ से वाटर निकाल देंगे, तो ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हो रही है, एक स्टेप में हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन, अगले स्टेप में एडिपिक एसिड, तो यहाँ पे ऐसे करते हुए यहाँ पे आप अगर देखें इसके हम बहुत सारे यूनिट ले लें आगे चल के, इसके भी बहुत सारे यूनिट ले लें तो यहाँ पे -N टाइम्स आप H2O निकलेगा और धीरे 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 बहुत देर तक जाने कर बहुत दूर तक ये प्रोसेस चलाने के बाद आपको फाइनली स्ट्रक्चर किसका मिलेगा, आपको फाइनली स्ट्रक्चर मिलेगा नायलॉन 6 का। अच्छा, नायलॉन 6 का अगर एक मोनोमर बनाना हो तो आप यहाँ से एक H फ्री कर दीजिए, तो यानी आपको HN मिलेगा कुछ यहाँ से, यहाँ पे CH2 का होल 6, फिर यहाँ पे NH C डबल बॉन्ड O, फिर से हेक्सामिथाइलिन के बाद एडिपिक एसिड के CH2 4 एंड C डबल बॉन्ड O, और इसी को हम क्या लिख देंगे, होल N लिख देंगे, राइट, इसी को होल N लिख देंगे, ये आपका जो स्ट्रक्चर आया इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीएमाइड बोल रहे हैं या नायलॉन 6-6 बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में मोनोमर ही पूछ लिया था नायलॉन 6-6 का, तो ध्यान रखिएगा ये आपका हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन है और ये आपका एडिपिक एसिड है, बेहतरीन तरीके से दोनों के स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए, ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप ये प्रक्रिया होती चली जाती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, राइट, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि इसे स्टेप ग्रोथ पॉलीमर क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल, ये आपका स्ट्रक्चर है नायलॉन 6-6 का, ध्यान रखेंगे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 6CH2 होता है और दो कार्बोनिल के बीच में 4CH2 होता है, ठीक है, इसके नाम से इसका इंटरप्रिटेशन क्लियर है, 6-6 का मतलब 12 कार्बन, 6 कार्बन हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन के और 6 कार्बन एडिपिक एसिड के, ठीक है, तो अगर कभी कंफ्यूजन हो तो देख लीजिएगा, इस तरह से आपको दिमाग में आपके सेट होना चाहिए, राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास, अब थर्ड क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिकुलर फोर्सेस, ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिकुलर फोर्सेस, मॉलिकुलर फोर्सेस के बेस पे क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है इसको समझते हैं, राइट, जैसे बोला गया सबसे पहले इलास्टोमर्स,
ध्यान दीजिएगा, मैं बोलता आ रहा हूँ कि भैया हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज इलास्टोमर, तो नाम के साथ उसके एग्जाम्पल को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने नोट्स में हाईलाइट करके रखें, क्योंकि वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। दीज आर दोज पॉलीमर इन विच वीकेस्ट इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस एग्जिस्ट, जिसमें वीकेस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, दीज देर रिफर्ड एज हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, therefore they have high degree of elasticity, इनके पास high degree of elasticity होता है। जैसे बेहतरीन example इसके कौन कौन से हैं, इसके बेहतरीन example ब्यूना एस, ब्यूना एन और नियोप्रीन है, ठीक है। तो ये example भी आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए कि आपके पास examples कौन से होते हैं elastomer के, right? चलिए इसको आराम से बेहतरीन तरीके से नोट करते हुए साथ में चलेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, राइट, ओके, फाइन। चलिए आगे बात करते हैं, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, ठीक है, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर क्या आप कहते हैं इसको समझते हैं। इलास्टोमर में एक बात अगर आप नोटिस करें तो इलास्टोमर में जो इलास्टिसिटी उसकी होती है वो क्रॉस लिंक की वजह से उसकी इलास्टिसिटी आती है, जो स्पेशली इंपॉर्टेंट तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे किस तरीके की अगर मैं बात करूं इलास्टिसिटी, एक मिनट के लिए अगर मैं बोलना चाहूं यहां पे, तो जो पॉलीमर्स होते हैं, सॉरी कुछ इलास्टोमर्स कुछ इस तरीके से अगर हैं तो इसमें इलास्टिसिटी, ओह आई एम सो सॉरी, एक मिनट, अगर मैं इलास्टिसिटी के बारे में बात करूं तो कुछ अगर रबर कुछ इस तरीके से है, नियोप्रीन के अगर मैं बारे में बात करूं तो कुछ इस तरीके से, और इसके बीच में जो ये क्रॉस लिंक होते हैं, ठीक है, इसके बीच में जो क्रॉस लिंक होते हैं, इसी क्रॉस लिंक की वजह से इसमें इलास्टिसिटी को हम ऑब्जर्व करते हैं, राइट, इस तरीके से। तो ये आपका जो क्रॉस लिंक है, ठीक है, क्रॉस लिंक, क्रॉस लिंक, तो ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ क्रॉस लिंक जितना ज्यादा होगा इलास्टिसिटी जो है उस पॉलीमर की उतनी ज्यादा होगी। तो इस तरीके से इसमें दिखा सकते हैं, अभी हम बात करेंगे, एक टर्म्स आएगा वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, ठीक है। तो इसको और ज्यादा टफ और हार्ड बनाने के लिए हमें थोड़ा सा इसको हीट करना पड़ता, राइट, तो क्रॉस लिंक जितना ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा होगी, बेहतरीन, ओके। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जैसे कि अगर आप इसको देखें तो नेक्स्ट पार्ट अभी मैं बोल रहा था वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर का क्या मतलब है, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर का मतलब ये होता है जो रबर होता है वो उसकी इलास्टिसिटी आप जानते हैं ज़्यादा स्ट्रेचेबल होता है, उसी के रेफरेंस में बोला गया है। क्या बोला गया, नेचुरल रबर इज ए गमी मटेरियल, नेचुरल रबर इज ए गमी मटेरियल व्हिच हैज पुअर इलास्टिसिटी बट हीट, व्हाट, बट हीट विथ सल्फर, सल्फर ये आपसे पूछा जाता है, हीट विथ सल्फर इन प्रेजेंस ऑफ दिस टेम्परेचर इट बिकम नॉन स्टिकी मोर इलास्टिक, दिस फॉर्म ऑफ रबर इज कॉल्ड वल्केनाइजेशन रबर या वल्केनाइज्ड रबर। सर क्या मतलब है इसका, इसका बेहतरीन मतलब यह है, आपसे पूछा जा सकता है कि वल्केनाइज्ड रबर किसे कहते हैं, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर क्या प्रोसेस होता है। तो ध्यान रखिएगा नेचुरल पॉलीमर को, नेचुरल पॉलीमर को सल्फर के साथ, सल्फर के साथ, सल्फर का एटॉमिसिटी S8 होता है, सल्फर के साथ जब हम हीट करते हैं, सल्फर के साथ हीट करते हैं कितना परसेंट सर, 5%, 5% सल्फर के साथ हीट करते हैं तो जो नया फॉर्म ऑफ रबर आता है उसे हम कहते हैं वल्केनाइज्ड रबर, राइट, उसे क्या पढ़ते हैं हम लोग, वल्केनाइज्ड रबर बोलते हैं उसे। तो आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नोन एज वल्केनाइज्ड रबर, तो नेचुरल रबर को 5% ऑफ सल्फर, आपसे मैं पूछ सकता है कि वल्केनाइज ऑफ रबर के लिए नेचुरल रबर को किसके साथ हीट करते हैं, फास्फोरस के साथ, सल्फर के साथ, ऐसे के ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो ध्यान रखें किसके साथ, सल्फर के साथ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वल्केनाइज रबर में जैसे कि मैं सारी बातें कर रहा था, अब ये सर ऐसा क्या हो जाता है वल्केनाइज रबर में, ऐसा क्या हो जाता है वल्केनाइज रबर में कि ये नॉन स्टिकी हो जाता है,
इसका सीधा सा मतलब अगर मैं बोलना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से देख सकते हो, जैसे आपके पास जो रबर था, अगर आप देखें जो अभी हम बात कर रहे थे इलास्टिसिटी के बारे में, दो लेयर में बना लेता हूँ और ठीक है, अगर मैं कुछ इस तरीके से बोलूँ तो यहाँ पे जो क्रॉस लिंक होते हैं, जैसे ये क्रॉस लिंक थे, ठीक है, ये आपके पास जो क्रॉस लिंक था, ये आपके पास जो क्रॉस लिंक था, राइट, इस क्रॉस लिंक के बीच में आपको क्या आ जाता है, सल्फर जुड़ जाता है, इस क्रॉस लिंक के बीच में आके सल्फर जुड़ जाता है, इस क्रॉस लिंक के बीच में सल्फर जुड़ जाता है, और जब क्रॉस लिंक के बीच में सल्फर जुड़ जाता है तो ये और भी टफ हो जाता है, ठीक है, इसे हम दो, अच्छा यानी हर क्रॉस लिंक के बीच में सल्फर नहीं होता, इसे हम सल्फर लिंक बोल सकते हैं, सल्फर लिंक बोल सकते हैं, कुछ नॉर्मल क्रॉस लिंक होंगे और कुछ लिंकेज में सल्फर जुड़ जाएगा, ठीक है। अब इसकी जो इलास्टिसिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, अब ये थोड़ा सा हार्ड टफ ब्रिटल हो जाएगा एज कंपेयर टू नेचुरल रबर। और ये जो नया फॉर्म ऑफ रबर आया है, इसी न्यू फॉर्म ऑफ रबर को हम क्या बोलते हैं, वल्केनाइज्ड रबर बोलते हैं, एक्सक्यूज मी, तो ये बात समझ में आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, वल्केनाइज्ड रबर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं बेहतरीन तरीके से ये लोग, आप लोग साथ में चल रहे होंगे, सब कुछ नोट करते हुए चल रहे होंगे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, राइट, ओके, नेक्स्ट पार्ट दैट इज फाइबर। फाइबर, फाइबर क्या होता है, फाइबर बोला गया है स्ट्रॉन्गेस्ट, ओके, व्हाट स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाई टेंसाइल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दीज आर थ्रेड लाइक हैविंग मच टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। फाइबर्स जो होते हैं जिसमें मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, और उसका कारण क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इस तरह से होता है। कैसे होता है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपके पास थ्रेड, अगर मैं नायलॉन्स का स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से 2, 3, 4, फिर दिस इज सी ओ, यहाँ पे एन, यहाँ पे एच, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर यहाँ पे एन एच सी ओ, ठीक है, 2, 3, 4, कुछ इस तरीके से, राइट, ऐसे ये आप क्या है, देखो यार ये एडीपी की एसिड का यूनिट है या हेक्सामेथिलीन का यूनिट है, तो ये अगर आप देखें तो ये किसका एक लेयर है, नायलॉन 6-6 का लेयर है, राइट। अब इसी लेयर के पास एक दूसरा लेयर आएगा, जैसे कि अगर मैं बात करूँ एच के साथ एन जुड़ेगा, राइट, और उसके साथ यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिस इज एन एच, ठीक है, कुछ इस तरीके से सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा सी डबल बॉन्ड ओ 1, 2, 3, 4, ठीक है, और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एन 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, कुछ इस तरीके से, ओह आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा सुधार लेंगे, यहाँ पे हेक्सामिथाइलिन है तो यहाँ नाइट्रोजन होगा पहले, यहाँ पे N होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड होगा जिस, अब यार ये बनाने का मेरा पर्पज़ कुछ खास नहीं है, बस मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि किस तरह से फोर्स जुड़े होंगे। अगर आप देखिए तो ये एमाइड है और इसके इसके बीच में ये डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और ऐसे आगे चल के थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ तो दूसरे मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से जुड़ेंगे, अगर आगे चल के एच बॉन्डिंग की बात करें तो यहाँ पे जुड़ जाएंगे, ठीक है, अगर थोड़ा सा होगा आगे जुड़ जाएंगे, और ये ऊपर एच बॉन्डिंग से जुड़ा होगा, नीचे एच बॉन्डिंग से जुड़ा होगा, सिमिलरली ये भी एच बॉन्डिंग से जुड़ा होगा, नीचे भी एच बॉन्डिंग से जुड़ा होगा, तो ये लेयर बाई लेयर नायलॉन 6 लेयर बाई लेयर एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जुड़े होंगे, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े होंगे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग के साथ जुड़े होंगे, राइट,
स्ट्रॉन्ग इस बॉन्डिंग के साथ जुड़े होंगे, इसी वजह से इसके पास जो फोर्स होते हैं इंट्रामॉलिकुलर वो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। ऐसे नायलॉन 6 का एक लेयर होगा, उसके नीचे दूसरा लेयर, उसके अगला लेयर, और ये लेयर टाइटली एक दूसरे के साथ क्लोज्ड बॉन्डेड होंगे थ्रू एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग किसका? कार्बोनिल के CO के साथ और एमाइड के NH के साथ। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही होगी। एग्जाम्पल इसके कौन कौन से होते हैं आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने नजर आ रहा होगा। एग्जाम्पल आपके साथ देखिए, पॉलीएमाइड जो नायलॉन 6 है, पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर में अगर आप देखें तो उसमें भी एस्टर लिंकेज होता है। ठीक है, वो भी, तो ये सब एग्जाम्पल आपके किसके हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी फाइबर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, फाइबर एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हर एक पॉइंट आप नोट करते चल रहे हैं, मेक श्योर कि हर बात आप लिखते हुए चल रहे हैं, समझते हुए चल रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, यहाँ भी आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, राइट, सब ऐसे बढ़ते चले जाएंगे क्योंकि एक लेयर टाइप का है। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात करते हैं। थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट इज थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक के बारे में अगर देखें, थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स और उसकी डेफिनेशन को क्या बोलते हैं, दीज आर पॉलीमर इन व्हिच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर। यानी इसके अगर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो इलास्टोमर से ज्यादा होता है, फाइबर से कम होता है, राइट, फाइबर से कम होता है। दीज पॉलीमर कैन बी इजिली मॉड्यूल, दिस पॉलीमर कैन बी इजली मॉड्यूल इन टू डिजायर्ड शेप बाय हीटिंग सब्सिक्वेंस कूलिंग, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। बोला जा रहा है कि जो आपके पास थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं, ये बोला गया है कैन बी मॉड्यूल इन डिजायर्ड शेप। यार इसको अपने इच्छा अनुसार अपने शेप और साइज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हीटिंग, इसको हीट कर देंगे, हीट करके इसे दोबारा बनाया जा सकता है और उसको अलग शेप और साइज में देने के बाद दोबारा इसे कूल कर दीजिए तो फिर से रीगेन हो जाएगा। यानी इसको आप इजीली बॉयल कर सकते हो और इसको फिर से रिक्रिएट कर सकते हो, इतना लो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए बोला दे है लो मेल्टिंग पॉइंट, राइट। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं इसके, अगर एग्जाम्पल देखें, पॉलीथीन, हाँ यार पॉलीथीन, हाँ पॉलीथीन को भी आप पिघला सकते हो, जला सकते हो। पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC, टेफ्लॉन, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ये सारे के सारे एग्जाम्पल थर्मोप्लास्टिक के हैं, तो ध्यान रखिएगा थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल को भी आपको मार्क करना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेक श्योर कि आप हर बात को बेहतरीन तरीके से लिख रहे हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट को अगर आप पेन चलाते रहेंगे तो आपका नोट्स तैयार होता चले जाएगा और आपको फाइनली तक आपको 8-10 पेज की, 1-12 पेज की नोट्स मिल जाएगी और उसको एक बार दो बार जब अपने हाथों से आप लिखे होते हो तो आपको पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है और सुनते सुनते उस बात को मार्क करते हुए आप साथ में चलते हैं कि जो प्रिसाइसली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए थोड़ी सी बात और करते हैं फिर आगे आते हैं, राइट। जैसे नेक्स्ट इज थर्मो सेटिंग पॉलीमर, ठीक है, नेक्स्ट इज थर्मो सेटिंग पॉलीमर, राइट। थर्मो सेटिंग पॉलीमर क्या होता है ये भी आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करना है और पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। चलिए पढ़ना शुरू कीजिए, थर्मो सेटिंग पॉलीमर क्या है। These are polymers which are made from semi-fluid substances which become hard, infusible on heating. Infusible on heating due to increase the number of cross-link which is result 3D network type structure. ये बेहतरीन बात बोली गई है। क्या बेहतरीन बात बोली गई है? बेहतरीन बात यह बोली गई कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर एक ऐसा पॉलीमर है जो इनफ्यूजिबल सॉलिड मास होता है, बहुत ही टफ होता है, बहुत ही हार्ड होता है, वो इनफ्यूजिबल होता है, मतलब उसे आप हीट करके पिघला नहीं सकते और उसको अपने डिजायर शेप में दोबारा यूज नहीं कर सकते, इसलिए इसे हार्ड एंड ब्रिटल होता है। जितना आप उसको हीट करेंगे क्रॉस लिंक बढ़ता जाएगा, यानी और भी जटिल होता जाएगा और भी खतरनाक होता चला जाएगा।
एक्सक्यूज मी, 3D टाइप का स्ट्रक्चर कन्वर्ट होता चला जाएगा, फाइन। तो उस तरह के एग्जाम्पल में आपके पास बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल फिर से आपके पास आया बेकेलाइट, ठीक है। बेकेलाइट के बाद यहाँ कॉमा लगाएंगे। दूसरा पार्ट है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो दो बेहतरीन एग्जाम्पल यहाँ पे हैं, एक बेकेलाइट है आपके पास है, और दूसरा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है, ठीक है। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर के एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बेहतरीन तरीके से पता होनी चाहिए यार, कि बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन ये सब किसके एग्जाम्पल है। कभी कभी आपको होता है कि मैच द कॉलम आपके एग्जाम में आता है यार, क्या आता है, मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में क्या पूछता है सर, मैच द कॉलम में एक तरफ दे देगा पॉलीमर, ठीक है, एक तरफ पॉलीमर दे देगा और एक उसके यूज दे देगा इस तरह से, एक तरफ उसका पॉलीमर दे देगा और एक तरफ उसके को पॉलीमर दे देंगे कि किस किस का को पॉलीमर है ये पॉलीमर। तो इस तरह के मल्टीपल आपको इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छे क्वेश्चन को कर पाएंगे, राइट। तो सब बातों को आप अच्छे तरीके से नोट करते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास है प्रिपरेशन ऑफ सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर, राइट। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन की बात करेंगे, यानी हर पॉलीमर की या प्रिपरेशन की बात करेंगे। अभी तक समझिए, हम एक तरह की क्लासिफिकेशन ओरिएंटेड बात कर रहे थे कि किसी पॉलीमर का क्लासिफिकेशन या उसका यूज या उसका स्ट्रक्चर या उसके मॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होते हैं। अब हर एक पॉलीमर को बेहतरीन तरीके से बनाएंगे और फिर उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले आप इतनी बातें आराम से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो प्रिपरेशन ऑफ सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर के बारे में बात करते हैं, एक एक करके प्रिपरेशन, राइट। हम लोग के सिलेबस में बहुत ही वेल डिफाइंड पॉलीमर है, बहुत ही लिमिटेड पॉलीमर है, उसके बारे में बात करना है। एक नंबर वन से हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है, नंबर 12 तक हम लोग जाएंगे। ये 12 तरीके के पॉलीमर ही हैं, और यही 12 तरीके के पॉलीमर की प्रिपरेशन प्रॉपर्टी और उसके यूज़ को आपको लर्न करना है, राइट। और यही आपके एग्ज़ाम में घूम फिर के बार बार आते रहते हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके बेहतरीन तरीके से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सम कॉमन, ठीक है। अब प्रिपरेशन के साथ साथ हम एक एक बातों को समझेंगे। सबसे पहली आप हेडिंग लिख रहे हैं, सबसे पहली हेडिंग लिख रहे हैं पॉलीथीन, सबसे पहले मार्क माय वर्ड पॉलीथीन, सबसे पहले आप नई हेडिंग लिख रहे हैं। और पॉलीथीन में सबसे पहली पॉलीथीन के बारे में जो हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज LDP, यानी लो डेंसिटी पॉलीथीन, राइट। तो आप सबसे पहले लिखिए लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है, ठीक है, लो डेंसिटी पॉलीथीन। पॉलीथीन यार, पॉलीमर देखो क्या है कि चैप्टर जो है इंटरेस्टेड में, हमेशा मैंने बताया ही कि थोड़ा सा लंदी चल रहा होगा, चाहे काफी को सुनने में अच्छा नहीं लगता लोगों को यार, आप ही लोगों में से काफी लोग होंगे कि जिनको मजा नहीं आ रहा यार, सर क्या मतलब सब थ्योरी, लेकिन इंपॉर्टेंट किस बात का है यार, मजा का इंपॉर्टेंस है कि 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंस है। इस 4 नंबर की अहमियत है यार कि आपके मजे का इंपॉर्टेंस है, नहीं सर 4 नंबर की अहमियत है। तो क्या आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या केमिकल काइनेटिक्स या वट एवर द इक्विलिब्रियम के 10 से 15 लेक्चर पढ़ के एक क्वेश्चन करते हो आप, पॉलीमर के एक लेक्चर पढ़ के एक क्वेश्चन करते हो यार, वेटेज तो 4 नंबर का है भैया, 4 नंबर का वेटेज है। और आप ही के फ्रेंड सर्कल में से, आप ही के कलीग्स, आप ही के स्टूडेंट, आप ही के फ्रेंड, आप ही के जो आसपास है उनसे पूछो कि यार क्या वो 12 लेक्चर 15 लेक्चर पढ़ के इक्विलिब्रियम के, ठीक है, श्योरिटी देके एग्जाम में जा सकते हैं कि मैं डेफिनेटली एग्जाम से क्वेश्चन करके आऊंगा, नहीं, सॉरी अबाउट दैट, कि हो सकता है कुछ किसी लोगों को इस बात से बुरा लगे कि ऐसा सर क्यों करो, हाँ मैंने ऐसे देखा यार, अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस बात को माइंड नहीं करेंगे, आप समझते होंगे कि सर क्वेश्चन कभी कभी टेढ़े आ जाते, बनते नहीं, या फिर थोड़ा सा टाइम टेकन होता है सर, बन जाते हैं बट समय ले लेते हैं सर। लेकिन पॉलीमर का क्वेश्चन
कोई भी आप में से यहीं से बोल के जाता है कि वट एवर द क्वेश्चन आस्क इन द एग्जामिनेशन हॉल द चैप्टर इज पॉलीमर आई विल डेफिनेटली श्योरली आंसर डन, मैं उस क्वेश्चन का आंसर करके आऊंगा कैसा भी क्वेश्चन पॉलीमर का आएगा। ये हर स्टूडेंट का गट की बात होती है, क्यों सर ऐसा क्यों, आसान होता है यार, थ्योरेटिकल पार्ट आसान होता है और दो तीन जब स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं चार पांच बार चैप्टर पढ़ लेते हैं तो एक पेज का शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, उसी शॉर्ट नोट्स को देखा पढ़ा एग्जाम में ढूंढ के क्वेश्चन कर लिया। तो यार कहते हैं ना क्वालिटी स्टडी में जो है ये ऐसा है, कुछ चैप्टर यार केमिस्ट्री के होते हैं जो एट ए टाइम पढ़ने पे तुरंत आंसर करके आने से पॉलीमर हो गया, बायो मॉलिक्यूल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ऐसे केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, चार चैप्टर है यार, चार चैप्टर के चार क्वेश्चन आप एग्जाम में आते हैं और अगर आप पढ़ने बैठ जाओ ना तो अगर आप बात करो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री दो घंटे पढ़ लो चैप्टर खत्म, केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ दो घंटे पढ़ लो चैप्टर खत्म, दो घंटे बायो मतलब आठ घंटे सात घंटे अगर आप इत्मीनान से पढ़ दे तो बेहतरीन तरीके से, तो ये चार के चार चैप्टर खत्म हो जाते हैं और आप बोल के आते हो कि सर क्वेश्चन मैं करके आऊँगा, समझ। तो ऐसे चैप्टर को यार थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से आप देखो कि जिससे क्वेश्चन पक्का बन जाए, क्योंकि उस एग्जाम में हमें फाइनली उसी चार नंबर की लड़ाई होती है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, तो हर बात को बेहतरीन तरीके से लीजिए और उसको एक एक पॉइंट को मार्क करते हुए चलिए, ठीक है सुनते रहिए बोलते रहिए चलते रहिए लिखते रहिए और बेहतरीन तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। लो डेंसिटी पॉलीथीन, अब ये क्वेश्चन अभी लो डेंसिटी आ गया, नेक्स्ट स्लाइड पे आपके हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, अब दोनों मिला के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट लो डेंसिटी पॉलीथीन अबाउट हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये जो कुछ भी मैं क्लास में बोल रहा हूँ वो एकदम फैक्ट के बेस पर, जस्ट अगर वो फैक्चुअल बातें होंगी सब एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। अगर स्लिप ऑफ टंग हो जाए किसी बातों में तो फिर वो दैट इज ह्यूमन एरर हो सकता है, लेकिन जो भी मैं बोलता हूँ क्लास में दैट मीन्स वो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है वो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, हर एक सिंगल क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। चलिए ओके, जो सब लोग साथ में चल रहे हैं बेहतरीन तरीके से, अब बात करते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या है, राइट। लो डेंसिटी पॉलीथीन में इट इज ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, अब अच्छा स्टूडेंट हो गया तो इस क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट उसे मिल गया, इट इज ए ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। सर क्या बात कर रहे हो, हाँ पहला स्टेटमेंट मिल गया, इसको बेहतरीन तरीके से नोट इट डाउन करते चलेंगे, इट इज ब्रांच चेन पॉलीमर हेंस हैविंग लोअर डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेंस इट इज यूज इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैरिंग वायर, इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैरिंग वायर, ठीक है वो इलेक्ट्रिक के ऊपर या जो इंसुलेशन हो जाता है डॉट से खींच के उसको हम निकाल देते हैं, दांत हमारा टूटता नहीं, ऐसा नहीं कि आपके वो टूथपेस्ट का कमाल है, उसका कमाल ये कि वो LDPE की कोटिंग की हुई होती है इसलिए आपसे खींच के निकाल देते हो, कभी ब्लैक वाली केबल का खींच के निकाला है, दांत भी साथ में निकल आएंगे उसके, ठीक है। तो लो कैरिंग वायर एंड मैन्युफैक्चर सबसिक्विज बॉटल, ये एग्जाम्पल ध्यान रखना यार, एग्जाम्पल ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम्पल ही पूछ लिया जाएगा, LDPE का एग्जाम्पल कौन है, सबसिक्विज बॉटल का मतलब समझते हो, इसका हिंदी में निचोड़ बॉटल बोलते हैं, निचोड़ बॉटल यार, हाँ जो आप और ट्वाइस फ्लेक्सिबल पाइप्स, ये सारे एग्जाम्पल को आपके पास हाईलाइट कर लिए आप क्रिएट पेन से, मैं हमेशा से बोलता रहता हूँ यार मैजिक क्रिएट करने के लिए हमेशा तीन कलर की पेन की जरूरत पड़ेगी, रेड ब्लैक एंड ब्लू, रेड ब्लैक एंड ब्लू, इन सारी बातों को रेड से अंडरलाइन करेंगे, हेडिंग आप ब्लैक से लिखेंगे और पूरी राइटिंग आप ब्लू से लिखेंगे, राइट। मैं हमेशा तीन पेन का यूज करता हूँ, आप चाहे तो मल्टी कलर यूज कर सकते हैं। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन में हम, समय बहुत है यार आप लोगों के पास, बस चैप्टर फिनिश करते करते आपको इतनी कॉन्फिडेंस आ जानी चाहिए कि सर व्हाटएवर द क्वेश्चन इज आस्क इन द एग्जाम अबाउट द चैप्टर अबाउट पॉलीमर आई विल श्योरली आंसर दैट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में सर पूछा जाएगा पॉलीमर का आई विल डेफिनेटली गिव द आंसर एंड दैट विल बी श्योरली करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके के गजब का कॉन्फिडेंस आपके साथ होना चाहिए, नहीं तो पढ़ने का क्या मतलब है यार।
सर पूरी साल में बहुत बिजी रहा, सर पूरी साल में बहुत पढ़ता रहा, बट सर प्रोडक्टिव नहीं रहा, मतलब नहीं यार। तो इसमें पहला पॉइंट आपका क्या मिल गया, ब्रांच चेन पॉलीमर, ठीक है, लो डेंसिटी मेल्टिंग पॉइंट, पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, यूज्ड, बार बार यूज को मैं फोकस कर रहा हूँ, इंसुलेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक कैरिंग वायर, सबस्क्विज बॉटल, ट्वाइस फ्लेक्सिबल पॉइंट, ये सारी बातों को अंडरलाइन करते हुए चल रहे हैं बेहतरीन तरीके से, राइट। सबस्क्विज बॉटल यार, वो जो रेल में आपको, रेलवे में आपको बॉटल दी जाती है रेल आहार वाला, उसको अगर आप बेहतरीन पढ़ें उसमें लिखा होता है ओजनाइज्ड वाटर या सबस्क्विज बॉटल, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट चाहती है बॉटल जहाँ से प्रोडक्ट्स होता है उसे बताया जाता है कि आप इसे यूज करने के बाद उसे तोड़ मड़ोड़ के निचोड़ के एकदम डिस्ट्रॉय कर दें, तोड़ मड़ोड़ निचोड़ के उसे डिस्ट्रॉय कर दें पूरी तरीके से, मतलब उसे रीयूज ना किया जा सके, ठीक है, दोबारा यूज नहीं करते, लेकिन काफी लोगों को मैंने देखा है कि यार वो घर तक ले आते हैं उसमें तब भी यूज करते हैं, लेकिन नहीं। इसीलिए जब भी आप जर्नी कर रहे हो या कभी उस तरह के बॉटल आप खरीदें तो उसको पानी पीने के बाद उसे आप उसे निचोड़ के तोड़ दें, हो सकता है आसपास के लोग आपको पागल समझें, अरे यार ये पागल हो गया क्या, सारी ताकत सारा दिमाग अपना बॉटल को तोड़ने में लगा रहा है, बट इग्नोर कीजिए उन्हें, ठीक है। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन के एग्जाम्पल आपके पास फ्लेक्सीबल पाइप्स, फ्लेक्सिबल पाइप्स भी आपके पास देखेंगे जिसको आप हाथों से लपेट सकते हैं तोड़ सकते हैं, फ्लेक्सिबल पाइप्स होते हैं, उन सबके एग्जाम्पल है। हाँ, एथीन जो होता है, एथीन से ही आपका ये बनता है पॉलीथीन, राइट, ये आपका एथीन से क्या बना है, पॉलीथीन, ये पॉलीथीन क्या है, लो डेंसिटी यानी LDPE, राइट। तो ये बातें याद रहेंगी आपको यार, याद रहेंगी बेहतरीन तरीके, सब लोग साथ में चल रहे हैं, ठीक है, सुपर। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में ये सारे पॉइंट बेहतरीन तरीके से आप नोट करते चलेंगे, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन में अगर आप देखें तो फिर से यहां पे कुछ बातें आपको अंडरलाइन करने की जरूरत है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन मैजिक क्रिएट करने के लिए ऑलवेज यू नीड टू 3 कलर ऑफ पेन, रेड ब्लैक ब्लू। आपने ब्लू से मार्क किया हेडिंग, अब आपने ब्लू सॉरी रेड ब्लैक से आपने हेडिंग मार्क किया और आपने ब्लू से लिखना शुरू किया। इट कंसिस्ट ए लीनियर मॉलिक्यूल, मार्क माय वर्ड, इस कंसिस्ट ए लीनियर मॉलिक्यूल। अभी आपने पीछे पढ़ा, क्या पढ़ा पीछे, पीछे अभी आपने पढ़ा कि ये ब्रांच्ड होता है, और अभी आप पढ़ रहे हैं दूसरे में क्या होता है, लीनियर होता है। तो पहला डिफरेंस समझ में आया, पहला डिफरेंस समझ में आया, समझ में आना चाहिए। एंड हैज ये हाई डेंसिटी ड्यू टू क्लोज पैकिंग, ओह सॉरी क्लोज पैकिंग, ठीक है, हाई डेंसिटी होती है क्लोज पैकिंग की वजह से, राइट, क्योंकि आपको पता होता है लीनियर चैन लीनियर जो भी होते हैं उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, ब्रांच की बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, मैं हाइड्रोकार्बन से इस बात को बताता आ रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इट इज यूज टू आल्सो केमिकली इनर्ट एंड मोर टफ एंड हार्ड, इट इज यूज ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ, यहां पे देखो मैंने थोड़ा सा हाईलाइट करवाया, इसे बकेट्स बनाने में यूज करते हैं, बकेट्स, डस्टबिन्स बनाने में यूज करते हैं, डस्टबिन्स, बॉटल्स, पाइप्स, ये दो एग्जाम्पल यार यहां पर रिपीटेड आपको नजर आ रहे होंगे, एक आपको बॉटल्स और एक पाइप। अब ये बॉटल्स और ये पाइप रिपीटेड क्यों है, क्या थोड़ा मुझे बता सकते हो यार, पहले वाला जो बॉटल था वो लिखा था सबस्क्विज बॉटल, निचोड़ बॉटल जिसे आप हाथों से तोड़ मड़ोड़ के निचोड़ सकें, उस वो बॉटल की बात की जा रही है। लेकिन अब ये वाला बॉटल नहीं, ये वाला बॉटल आपके पास भी होगा, आपके रूम में भी होगा, कलरफुल बॉटल होगा जिसमें आप पानी वगैरह पीते हैं, इसको आप तोड़ नहीं सकते यार, उसको तोड़ नहीं सकते, समझ रहे, वो थोड़ा सा टफ होता है, और वो जो लेकिन है वो प्लास्टिक ही, उसे तोड़ नहीं सकते। अगर उसे तोड़ नहीं सकते तो वो किसका है, वो एग्जाम्पल किसका है, वो LDPE का है, सॉरी SDPE का एग्जाम्पल है, ठीक है, उस पाइप उस बॉटल की बात की जा रही है। ये पाइप कौन से हैं यार, ये मशीनरी में पानी ये पाइप यूज किए जाते हैं जिसको आप बहुत ही इजीली फ्लक्चुएट ना कर पाओ, लपेट ना पाओ इसको अपने हाथों में अपने कहीं पे बहुत तेजी से, तो उस पाइप की बात की जा रही है। डस्ट बकेट्स, ये यार बकेट्स तो आपको मिल जाएंगे, आपके बाथरूम में भी कहीं ना कहीं हो सकता है मिल जाए बकेट्स। डस्टबिन यार ये तो हर जगह आपको मिल जाएंगे, ठीक है, डस्टबिन
ये भी फ्लैक्चुएट नहीं करते, फ्लेक्सिबल नहीं होते कि आप इसको तुरंत तोड़ निचोड़ के इसको एकदम डिस्ट्रॉय कर दे, डिस्क्रिमिनेट कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा टफ और हार्ड होते हैं, ठीक है। यानी जब थोड़े से टफ और हार्ड वाले एग्जांपल होते हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे? हाँ, वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन के कैटेगरी में आएंगे, राइट। तो एचडीपी और एलडीपी में बेहतरीन तरीके से दोनों में फर्क समझ में आया, साथ चल रहे यहां तक सब लोग, तो दोनों में फर्क आपको समझ में आना चाहिए दोनों की में, क्योंकि स्टेटमेंट मैं एज यूजुअल आपको बोला था कि एसडीपी और एलडीपी पे क्या स्टेटमेंट है, क्या बातें हैं, सारी बेहतरीन तरीके से पूछी जाएंगी, राइट। ओके, अब यहां पे देखो इसकी मोड ऑफ प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, मोड ऑफ प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो यहां पे देखो, यहां पे भी आपके पास क्या है? एथीन, क्योंकि भैया सब एथीन से, और यह आपका क्या बन रहा है? पॉलीथीन, राइट। ये आपके पास पॉलीथीन है। बस एक बात और यहां पे आपको मार्क करने की जरूरत है सर, वो क्या मार्क करना है? मार्क ये करने की जरूरत है, यहां पे एक कैटलिस्ट है ईटी, मतलब इथाइल का होल थ्राइस एल्यूमिनियम प्लस TiCl4, ठीक है। ये कैटलिस्ट भी ध्यान रखना, इस कैटलिस्ट का नाम यार हर बच्चे को पता होता है, हर बंदे को पता होता है ये बात कि ये क्या है। इसे पढ़ते हैं जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, जगलर नहीं यार, जगलर दूसरा है, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, ध्यान रखिएगा। समटाइम यार कैटलिस्ट की मैचिंग भी पूछ ली जाती है, क्यों? क्योंकि आप केमिस्ट्री में यार इनऑर्गेनिक भी पढ़ते हो, डीकेन प्रोसेस पढ़ते हो, डॉस ठीक है, और वेनरकल प्रोसेस पढ़ते हो, और बहुत सारे इनऑर्गेनिक भी पढ़ते हो, तो इधर नाम लिख देता है रिएक्शन का और इधर कैटलिस्ट लिख देता है, कहता है कि कौन सी रिएक्शन में या कौन सी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, समझ रहे हैं? तो यह पूछ सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कैटलिस्ट इज नोन एज जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। अच्छा, ये एल्यूमिनियम लिखा गया है, जरा देखिए यहां पर लिखा गया है C2H5 का होल थ्राइस Al, यार कभी कभी इसका ऐसे लिख दिया जाएगा क्या, Al2C2H5 का होल 6, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं सर, बुरा नहीं मानेंगे, डाइमर ही तो है उसी का, समझ रहे हैं? तो ध्यान रखना है जिगलर नट्टा कैटलिस्ट इज यूज इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। सर व्हाट इज जिगलर नट्टा कैटलिस्ट? जिगलर नट्टा कैटलिस्ट ट्राइथैल्यूमिनियम एंड TiCl4, राइट। तो क्या यहां तक सब लोग बेहतरीन तरीके साथ में चल रहे हैं? क्या सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट आप मार्क करते हुए चल रहे हैं, नोट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है? तो आई जस्ट होप कि आप सब साथ में चल रहे होंगे, सुपर तरीके से बात को नोट करते हुए चल रहे होंगे। चलिए, पॉलीस्टाइरीन अनदर एग्जांपल, दूसरा पॉलीमर की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक एक एग्जांपल, ये नंबर आप काउंट करते चलिएगा, नंबर आप काउंट करते चलिएगा, दूसरा नंबर पे हम लोग पहुंच गए हैं, पहला खत्म हो गया है पॉलीथीन, दूसरा पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। पॉलीस्टाइरीन के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज पॉलीस्टाइरीन? इट इज ए व्हाइट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, इज अ मेकिंग, इट इज यूज्ड ऑफ मेकिंग, क्या बनाने में यूज करते हैं भैया? इट इज यूज्ड ऑफ मेकिंग, मार्क माय वर्ड ट्वाइस, कॉम्स, कंघी, जुल्फों को संवारने में कंघी यूज करते हैं ना, अरे भाई साहब घर से ना निकले अगर कंघी ना मिल जाए, ठीक है, कॉम्स, कंघी, रैपिंग मटेरियल्स, रेडियो एंड टेलीविजन कैबिनेट्स, ठीक है। रेडियो एंड टेलीविजन के पार्ट्स को बनाने में हम यूज करते हैं जो वो होता है पॉलीस्टाइरीन, राइट। ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, किसका स्ट्रक्चर है ये स्टाइरीन का स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है ये, बहुत ही बेहतरीन स्टाइरीन। आपसे पूछ लिया जाएगा स्टाइरीन क्या होता है, ये तो पॉलीमर का क्वेश्चन है, ये आपके ऑर्गेनिक में भी टहलता हुआ नजर आ सकता है कि पॉलीमर स्टाइरीन का अगर हम ओजेनेसिस करा देते हैं तो प्रोडक्ट ए मिलता है और प्रोडक्ट बी मिलता है, फिर क्या सर? फिर इसकी रिएक्शन 50% ऑफ NaOH से करा देंगे, प्रोडक्ट बताओ क्या मिलेगा? सर ये क्या पूछ लिया आपने, अभी तो पॉलीमर पढ़ा रहे थे, पॉलीमर से कहाँ चले गए? उफ, I'm so sorry, थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे सल्फाइड होगा, डाई मिथाइल सल्फाइड, ठीक है।
हाँ यार, हर बात को समझते रहना, हर बात को साथ साथ चलते रहना, यही एक अच्छे स्टूडेंट की खासियत है। अब कोई मुझे बताएगा कि ये कौन सी रिएक्शन है, यहां से लेके यहां तक ये कौन सी रिएक्शन है, कोई मुझे बताएगा? अगर पता है तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स विथ योर नेम, अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, सर ये कौन सी रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है। अगर आप पढ़ते हैं, अच्छे से जानते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हर चीज को बेहतरीन तरीके से देखें, अच्छे से देखिए, जो चीजें देखिए उसमें से आप आसपास की बातें कर लिया कीजिए। स्टायरीन स्ट्रक्चर नहीं देगा जब आपसे पूछेगा, स्टायरीन केवल लिख दिया जाएगा, स्टायरीन में केवल लिख दिया जाएगा और आपसे ये सारे रिएक्शन पूछ लेगा। ठीक है, तो मैं क्या छोड़ दूं इसका नाम ना बताऊं? बिल्कुल नहीं बता रहा हूं आपको, नाम नहीं बता रहा हूं आपको, रिएक्शन नहीं बता रहा हूं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि ये कौन से रिएक्शन है, कौन से बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है। चलो हिंट दे देता हूं, कार्बोनिल कंपाउंड की बहुत ही फेमस रिएक्शन है। चलो वापस आते हैं हम लोग अपने काम पे, अपने चैप्टर को वापस आते हैं, राइट। चलिए, ये आपके पास है स्टायरीन, स्टायरीन फिर से परऑक्साइड और आपको पॉलीस्टायरीन मिल गया। तो अगर आप देखें इसके एन मॉलिक्यूल यहां पे यूज होंगे, राइट, यहां पे इसके एन मॉलिक्यूल यूज होंगे और यहां पे आपको होलेन मिल रहा है, क्योंकि स्टायरीन के एन मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तभी पॉलीस्टायरीन बनाएंगे। कोई मुझे बताएगा ये कोपॉलीमराइजेशन से बना है या होमोपॉलीमराइजेशन से बनेगा? कोई मुझे बताएगा? ध्यान रखिएगा, ये आपका होमोपॉलीमराइजेशन है, होमोपॉलीमराइजेशन, राइट। क्यों? क्योंकि एक ही टाइप के मोनोमर यूनिट जुड़ रहे हैं बार बार। एक बात और बताइए, ये चेन ग्रोथ पॉलीमर है कि स्ट्रिप ग्रोथ पॉलीमर है? राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, चेन ग्रोथ पॉलीमर है या स्ट्रिप ग्रोथ पॉलीमर है? सर जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पजेस करते हैं तो वो तो चेन ग्रोथ होता है ना, स्ट्रिप ग्रोथ नहीं होता, राइट। ओके, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है? ये एडिशन पॉलीमराइजेशन है या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है? सर क्या बात करो, एडिशन पॉलीमराइजेशन है बेहतरीन तरीके से। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए, स्टायरीन का स्ट्रक्चर बेहतरीन ढंग से पता होना चाहिए। स्टायरीन का स्ट्रक्चर एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, इसे बहुत सारे रिएक्शन ऑर्गेनिक में पूछे जा सकते हैं नाम को यूज करते हुए, ठीक है। इसके कॉमन नेम स्टायरीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फ्रिक्वेंटली आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, यकीन मानिएगा, नहीं तो आपसे गलती हो सकती है। स्टायरीन स्टायरीन स्टायरीन, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉलीमर पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉलीमर दैट इज टेफ्लॉन, टेफ्लॉन, ओह आई एम सो सॉरी, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन को टेफ्लॉन बोलते हैं, समटाइम इसे आपको बोला जाता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, पीटीईएफ, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, पीटीईएफ, राइट, पीटीएफई, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन ऐसे लिख दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा क्या होता है सर, इसको जरा समझते हैं। ओके, समझते हैं, बोला गया इट इज वेरी टफ मटेरियल, बहुत टफ होता है क्या? हाँ, एंड रेजिस्टेंस टुवर्ड एसिड बेस एंड अदर रिएजेंट, देयरफॉर इट इज यूज टू मेकिंग, क्या बनाने में यूज करते हैं? नॉन स्टिकी कुकवेयर्स, बहुत ही फेमस ये है जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, नॉन स्टिकी कुकवेयर, ऑयल सील एंड गैसकेट्स। नॉन स्टिकी कुकवेयर पूछा जाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज फॉर द नॉन स्टिकी कुकवेयर, नॉन स्टिकी कुकवेयर बनाने में कौन सा पॉलीमर यूज करते हैं? मार्क माई वर्ड, दैट इज टेफ्लॉन। सर ये नॉन स्टिकी कुकवेयर क्या है, नॉन स्टिकी कुकवेयर क्या है? यार आजकल अगर आप मॉल वगैरह में जाते हो शॉपिंग करने, अपनी मदर अपने सिस्टर के साथ या किसी फैमिली मेंबर के साथ, कभी आपने गए होंगे कुछ कुकवेयर्स वगैरह खरीदने, कुछ बर्तन वगैरह खरीदे हों आपने, तो आजकल जो कुकर्स वगैरह आ रहे हैं या फिर
और भी जो बर्तन आ रहे हैं, जो भी नए आपको बर्तन हैं, उसमें आपको ब्लैक कलर की कोटिंग मिलती नज़र आ रही होगी, उसमें आपको ब्लैक कलर की कोटिंग की हुई नज़र आ रही होती है। फ्राईदानी लीजिए आप, जो भी लीजिए आप कुकवेयर्स में पार्ट्स जो भी लीजिए, उसमें ब्लैक कलर की कोटिंग नज़र आ रही है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप दोबारा कभी आप मॉल जाइएगा तो आप थोड़ा सा टहल लीजिएगा तो आप देखिएगा वहाँ पर ब्लैक कलर की कोटिंग की जाती है आप हर जगह पर, ठीक है। या आप घर में आप इन किचन में टहलते हुए चले जाइए, अगर आप तक नहीं गए हैं तो आपको आपके किचन में ऐसे बर्तन से ऐसे कुकवेयर्स मिल जाएंगे जिसमें आपको ब्लैक कलर की कोटिंग की गई होती है। वो कोटिंग किसकी होती है? टेफ्लॉन की कोटिंग होती है यार, इसलिए होती है क्योंकि बोला गया है कि वो एसिड बेस रेजिस्टेंस होता है, वो एसिड बेस मिनरल से रिएक्शन नहीं करता। अरे रिएक्शन करता होता है यार, तो जो हम लोग खाना बनाते हैं उसमें नमक भी डालते हैं, गार्गल्स डालते हैं और कोरंडम्स डालते हैं, बहुत सारे पार्ट्स हम लोग जानते हैं, ऑयल भी डालते हैं ऑब्वियसली, और यार फ्लेम पे हीट भी करते हैं, बॉयल टेम्परेचर पे हम हीट करते हैं। अगर पता लगा हमने टेफ्लॉन कोटेड कुकवेयर्स का यूज़ किया खाना बनाने में, पता लगा खाने के साथ, लंच के साथ, डिनर के साथ हमारे पास टेफ्लॉन भी चला है, समझ रहे हैं? इसीलिए अच्छा क्यों सर यूज़ करते हैं? इसलिए क्यों यूज़ करते हैं कि हमारे जो हम खाना बनाते हैं उसमें यार स्वादिष्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं यार, किसी ने वट रबिस यार, कोई अगर ये सोच रहा सर स्वादिष्ट हो जाता है, बकवास बात है, हो जाते यार कि जैसे तावे पे अगर हम रोटी बना रहे हैं, रोटी में अगर आप ऑर्डिनरी तावा यूज़ कर रहे हैं तो उसमें रोटियां जल जाती हैं। आप घर पे बात कीजिए, घर पे देखिए रोटियां जल जाती हैं, बट अगर आप टेफ्लॉन कोटेड तावे का यूज़ कर रहे हैं तो रोटियां जलती नहीं उस पर, ठीक है। आसानी से उसे आप मूव करा सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, और आपको भी बनाना सीख लेना चाहिए। अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो कुछ तो करना पड़ेगा, फाइन, जस्ट जोक्स अपार्ट। तो वो टेफ्लॉन कोटेड जो कुकवेयर होते हैं, वो जो उसकी कोटिंग की जाती है वो किसका होता है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन से जो बना हुआ टेफ्लॉन है दिस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, टेट्राफ्लोरोएथीन होता है मोनोमर किसका? टेफ्लॉन का। मोनोमर क्या होता है? टेट्राफ्लोरोएथीन, राइट। तो ये कौन सा पॉलीमर है? होमोपॉलीमराइजेशन या कोपॉलीमराइजेशन? राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, होमोपॉलीमराइजेशन या कोपॉलीमराइजेशन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ होमोपॉलीमराइजेशन। क्यों? टेट्राफ्लोरोएथीन का ही तो बार बार रिपीट करेगा, टेट्राफ्लोरोएथीन ही तो बार बार रिपीट करेगा, और फिर से डबल बॉन्ड प्रेजेंस कर रहा है तो दिस आल्सो गोइंग टू पेरोक्साइड कैटलिस्ट, एब्सोल्युटली फाइन। सब लोग बेहतरीन तरीके साथ में चल रहे हैं, तो आई जस्ट होप कि सब लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट, फोर्थ नंबर पॉलीमर। सर व्हाट इज द फोर्थ नंबर पॉलीमर? फोर्थ नंबर पॉलीमर आप देखेंगे दैट इज पीबीसी, ध्यान रखिएगा ये आपके एग्जाम में लिख के आएगा, पीबीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, आपको खुद रिकॉल करना पड़ेगा, पीबीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, बहुत ही ऑर्डिनरी सा है, बहुत ही आसान सा है। इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेन कोट्स, ध्यान रखिएगा रेन कोट्स, आपको रेन कोट्स में बनाने में हम इसे यूज करते हैं, राइट। हैंड बैग्स, विनाइल फ्लोरिंग एंड वाटर पाइप्स, ठीक है, इन सबको हम बनाने में यूज करते हैं। तो सारे जो यूजेज आपको नजर आ रहे हैं, इस यूजेज को आप बेहतरीन तरीके से संभाल कर रखिएगा क्योंकि यूजेज आपसे पूछे जाएंगे, राइट। विनाइल क्लोराइड आप देखिए, ये ग्रुप मैंने आपको बताया था, बहुत पहले बताया था, शायद पहली या दूसरी मुलाकात जब हमारी आपसे हुई थी क्लासरूम में, तब मैं एल्किल ग्रुप पढ़ा रहा था IUPAC के सीरीज में, तो वहाँ पे मैंने एलाइल बनाया था, विनाइल बताया था, क्रोटिल बताया था, ठीक है, फेनिल बताया था, बिंजाइल बताया था, बिंजल बताया था, तो वहाँ पर मैंने विनाइल ग्रुप भी बताया था, ठीक है। SP2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होता है तो उसे हम विनाइल ग्रुप बोलते हैं, राइट। तो ये आपका है विनाइल क्लोराइड। अब विनाइल क्लोराइड फिर से डबल बॉन्ड पजेस कर रहा है, और डबल बॉन्ड अगर पजेस करेंगे तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ही एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा, तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा ये आपको पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये कुछ मिल जाएगा, राइट, ये मिल जाएगा पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, जिसे इंसर्ट हम क्या लिखते हैं पीबीसी, बस पॉली लगा देना, ठीक है। तो ये भी होमोपॉलीमराइजेशन से बना है, इस बात को समझ पा रहे होंगे, सब लोग बेहतरीन तरीके से साथ चल रहे हैं, सुपर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेन कोट बनाने में यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, नेचुरल रबर, ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग पार्ट पहुंच गए हैं, दैट इज नेचुरल रबर,
ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है नेचुरल रबर, ध्यान रखिएगा इसके मोनोमर यूनिट, इसके स्ट्रक्चर, ठीक है, बहुत ही बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत ही बार पूछा गया, राइट। क्या है ये नेचुरल रबर? सबसे पहले इसके मोनोमर को आप मार्क करेंगे, क्या सर? हाँ, मोनोमर को आप मार्क करेंगे, बहुत ही सुपर तरीके से इसके मोनोमर को आप मार्क करेंगे, इसके नाम को, इसके स्ट्रक्चर को, सबसे पहले इसको नाम को, इसके स्ट्रक्चर को बेहतरीन तरीके से अपने कॉपी में मार्क करेंगे। यहां से 1, 2, 3, 4 ये है। दूसरे नंबर पे मिथाइल है, 2-methyl मल्टीपल बॉन्ड रिपीट कर रहा है तो एल्क बिकम एल्का, 2-methyl-butadiene, 2-methyl-butadiene, या राइट, फाइन। इसका सबसे इंपॉर्टेंट नाम इसका आईपीएसी नाम नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट नाम इसका यहां पे जो छोटू सा लिखा हुआ है ये है आइसोप्रीन। अच्छे से इसको अंडरलाइन करेंगे, इसका नाम आइसोप्रीन, राइट, आइसोप्रीन। इसका मोनोमर है आइसोप्रीन, किसका मोनोमर? नेचुरल रबर का, नेचुरल रबर का मोनोमर क्या है? आइसोप्रीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें भी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, पराक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा, बट यहां पे ध्यान रखना कि ये 1-4 एडिशन होगा। अब ये कोई मेरे से मत पूछ लेना सर ये व्हाट इज 1-4 एडिशन। मैं इसी दिन के लिए यार जीओसीए में मैकेनिज्म पढ़ाया था कि जब मल्टीपल बॉन्ड, ओके, जब मल्टीपल बॉन्ड आपके पास आएंगे किसमें, जब मल्टीपल बॉन्ड आपके अल्टरनेट मैनर में होंगे, एल्का डाइईन होगा या कार्बोनिल के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड होंगे, राइट, नहीं इसमें होंगे, आई एम सो सॉरी, जब मल्टीपल बॉन्ड अल्टरनेट मैनर में होंगे और वो एडिशन के साथ जा रहे होंगे तो वो 1-4 एडिशन के थ्रू होंगे, राइट, ओके। तो इस तरीके से आपका नेचुरल रबर प्रिपेयर हो गया। अब ये नेचुरल रबर को एक और नाम से जाना जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये स्टार लगा के लिखिएगा इस बात को, इट इज आल्सो कॉल्ड सिस 1,4, इट इज आल्सो कॉल्ड सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, इट इज आल्सो कॉल्ड सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। ध्यान रखिएगा ऑप्शन में आपके ट्रांस भी लिखा होगा, तो इसका जो पॉलीमर का अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है? सिस अरेंजमेंट होता है, ये देखिए सिस अरेंजमेंट होता है, ठीक है, ये दोनों सेम साइड, ये दोनों सेम साइड, ठीक है, ये दोनों देखो सेम साइड, तो ये कौन सा अरेंजमेंट होता है? सिस अरेंजमेंट होता है, राइट, सिस अरेंजमेंट। तो ध्यान रखिएगा जो नेचुरल रबर होता है वो क्या होता है? सिस आइसोमर्स होता है, ट्रांस नहीं होता। ऑप्शन में अगर आपको दे दिया जाए ट्रांस तो दैट इज एब्सोल्युटली फॉल्स, राइट। दिस लेटेस्ट इज ऑब्टेंड फ्रॉम द बैंक ऑफ रबर ट्री, इज फाउंड इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ अमेरिका, ठीक है, ये सब बार्क ऑफ ट्री, ये पेड़ के से निकलते हैं, ये सब कॉमनली इन सब जगहों पे पाए जाते हैं, राइट, ओके, फाइन, बेहतरीन तरीके से। तो नेचुरल रबर में सर क्या क्या इंपॉर्टेंट है? नेचुरल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका मोनोमर, दैट इज आइसोप्रीन, दैट इज आइसोप्रीन। यू मस्ट नो अबाउट द ऑल फीचर ऑफ आइसोप्रीन, व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोप्रीन, व्हाट इज द आईपीएसी नेम आइसोप्रीन। अगर आप ये दोनों बात जानते हैं तो इसके ऑर्गेनिक में भी आपको यूजेस मिल सकते हैं, राइट, ऑर्गेनिक में भी इसके यूजेस मिल सकते हैं, फाइन। तो क्या ये बात समझ में आ रही है? इतनी बातें आपने मार्क कर लिया है, चले आगे बढ़ते हैं और बेहतरीन तरीके से और कुछ बातों पे फोकस करते हैं कि और क्या है, राइट, ओके। दिस वन अगर आप देखें, सिंथेटिक रबर, राइट, सिंथेटिक रबर क्या होता है इसको अगर आप बेहतरीन तरीके से देखें, बोला गया व्हिच इज कैपेबल टू गेटिंग स्ट्रेस्ड टू ट्वाइस इट्स लेंथ, ट्वाइस इट्स लेंथ, हाउ एवर इट्स रिटर्न टू ओरिजिनल शेप एंड साइज एज सून एज एक्सटर्नल स्ट्रेचिंग फोर्स रिलीज। आसान भाषा में समझते हैं, सिंथेटिक रबर ऐसे रबर होते हैं, जैसे अगर ये कोई सिंथेटिक रबर होगा तो इसको स्ट्रेच करके इसकी लेंथ का ट्वाइस साइज को हम बढ़ा सकते हैं, राइट, इसको हम स्ट्रेच करके इसके लेंथ को इसके
ओरिजिनल शेप का ट्वाइस इंक्रीज कर सकते हैं, बट एज सून एज बी रिलीज द स्ट्रेचिंग फोर्स ऑन दिस, दिस विल बी बैक ऑन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज. अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रेचिंग फोर्स हम रिलीज कर देंगे तो वापस ये शेप और साइज में वापस आ जाएगा, राइट. तो इस दिस इज द मीन व्हाट आई टोल्ड यू, ठीक है. जो भी मैंने बताया एग्जैक्टली इसी का मतलब यही है जो यहाँ पे लिखा गया. अब सिंथेटिक रबर में बहुत सारे वेराइटी है. सर वेराइटी का मतलब क्या है, देखते हैं वेराइटी का क्या मतलब. वेराइटी में जरा देखें, प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक रबर, एक नई हेडिंग आप लिखेंगे इसके बाद, सिंथेटिक ऑफ, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक रबर, राइट. इतनी बातें आप नोट करने के बाद आप नई हेडिंग मेंटेन करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक रबर, ठीक है, ओके. बेहतरीन तरीके से सिंथेटिक रबर में अगर मैं सबसे पहली बात करूं, सबसे पहली आप उस सिंथेटिक रबर में सबसे पहला नंबर लिखेंगे नियोप्रीन. नियोप्रीन, वंस अगेन दिस नेम इज वेरी वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों सर इंपॉर्टेंट है, यार आइसोप्रीन क्लोरोप्रीन में कंफ्यूज होते हुए देखा मैंने लोगों को. आइसोप्रीन क्लोरोप्रीन, सॉरी नियोप्रीन, आइसोप्रीन नियोप्रीन, आइसोप्रीन नियोप्रीन, ये थोड़ा सा उलझा हुआ लगता है. आइसोप्रीन मोनोमर है और नियोप्रीन पॉलीमर है, ध्यान रखिएगा. आइसोप्रीन का मतलब होता है क्लोरोप्रीन से जो बना हुआ मोनोमर है, इसको ध्यान रखिएगा. बस जहां पे मिथाइल लगा होता है वहां पे क्लोरीन कर देना होता है, ये आपके पास आ गया. टू क्लोरो ब्यूटा वन कामा थ्री डाइईन, टू क्लोरो वन कामा थ्री ब्यूटा डाइईन, या टू क्लोरो जो भी इसका आईपीएसी नाम लिखना चाहे, ये आपका स्ट्रक्चर है. इसका इंपॉर्टेंट जो कॉमन नेम है वो क्या है, क्लोरोप्रीन. आइसोप्रीन क्लोरोप्रीन, दो बातें आपको पता चल गई हैं, आइसोप्रीन क्लोरोप्रीन, मार्क माय वर्ड, इन दोनों को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पता होना चाहिए. कहीं भी आपके एग्जाम में ये टपक सकते हैं मैचिंग की तरह, ठीक है. इधर आपके मोनोमर दे दिए जाएंगे कॉमन नेम, ठीक है, विनाइल क्लोराइड या आइसोप्रीन क्लोरोप्रीन ऐसे कुछ दे दिया जाएगा, और आप इधर सारे पॉलीमर दे दिए जाएंगे, राइट. तो सबसे पहली बात बेहतरीन तरीके से आप लोग नोट करते हुए चल रहे होंगे, ठीक है, ओके. आई एम सो सॉरी. कुछ इस तरीके से अगर हम बात करें इसके बारे में, ठीक है, पॉलीमराइजेशन, अगेन 1,4 एडिशन पॉलीमराइजेशन, तो आपका स्ट्रक्चर ये आपका मिलेगा नियोप्रीन, राइट. नियोप्रीन एक सिंथेटिक रबर है, ठीक है, नियोप्रीन एक सिंथेटिक रबर है, और किसके थ्रू बनता है, को पॉलीमराइजेशन या होमो पॉलीमराइजेशन, एग्जैक्टली ये 1,4 एडिशन के थ्रू बनता है बाय द मोड ऑफ होमो पॉलीमराइजेशन, क्योंकि एक ही मोनोमर यूनिट बार बार रिपीट कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, होमो पॉलीमराइजेशन, राइट, ओके. इट हैज सुपर रेजिस्टेंस ऑफ वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल, इट इज यूज द मैन्युफैक्चर ऑफ कन्वेयर बेल्ट, ठीक है, गैस्केट एंड होसेस, ठीक है. कन्वेयर बेल्ट, आप मशीनरी में जो पट्टे यूज किए जाते हैं उसी को कन्वेयर बेल्ट बोला जा रहा है. जो भी मशीनरी में पट्टे यूज किए जाते हैं कन्वेयर बेल्ट बोला जाता है. गैस्केट और होसेस मतलब मोजे वगैरह जो है, रस्सियाँ वगैरह इसकी बनाई जाती हैं, ठीक है, उसी को हम लोग इस तरह से बोल रहे हैं, सॉरी, राइट. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सब बेहतरीन तरीके से आप में चल रहे होंगे. तो हर एक पॉइंट को सुपर तरीके से नोट करते हुए चलेंगे, चाहे उसका नाम हो, चाहे उसके पॉलीमर का स्ट्रक्चर हो, या फिर उसके यूजेज हो, राइट. चलिए सुपर तरीके से आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज ब्यूनाइल, एक्सक्यूज मी, सेकेंड इज ब्यूनाइल, राइट. ब्यूनाइल अब इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट है ब्यूनाइल, ठीक है, किसका मोनोमर यूनिट है, कौन कौन से मिसके बनते हैं, कॉ पॉलीमराइजेशन या होमो पॉलीमराइजेशन है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे उठते हैं, ठीक है. लेट्स सी, ब्यूनाइल इज ऑब्टेन्ड बाय द, सबसे पहली बात, को पॉलीमराइजेशन. ये क्या किससे बनता है, को पॉलीमराइजेशन आप किसके, किसका को पॉलीमराइजेशन, को पॉलीमराइजेशन आप 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल, ब्यूटा 1,3 डाइन एक्राइलोनाइट्राइल, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटलिस्ट, राइट. तो सबसे पहली बात यहां पे आपको मिल गया कि ये को पॉलीमराइजेशन है, और यहां पे आपको क्या मिल गए, मोनोमर यूनिट मिल गए, ठीक है. ये आपके पास ब्यूटाडाइन है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है,
एक्राइलोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइन है और ये क्या है एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, समटाइम आपसे पूछा जा सकता है कि जो ब्यूना एन है, ठीक है ब्यूना एन है, इस एन का क्या मतलब है। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल या फिर कुछ भी, समझ रहे हैं। तो एन का मतलब, ये ब्यूना का क्या मतलब है, या फिर द मोनोमर यूनिट यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्यूना एन, ऐसे पूछा जा सकता है, बहुत सारी बातें। या ब्यूना एन के क्वालिपॉलीमराइजेशन या होमोपॉलीमराइजेशन है, ऐसी ऐसी बातें बहुत सारी पूछी जा सकती हैं। तो हर एक बात को बहुत ही प्रॉपरली नोट करते हुए, एक बात को जितनी पॉसिबिलिटी है उस बातों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, राइट। ठीक है, देखो यह भी मैंने मेंशन कर दिया, को पॉलीमराइजेशन जो यहाँ पर बोली गई है सारी बातें बिल्कुल सटीक चल रही हैं। अब ये जुड़ेंगे तो आपके पास ये ब्यूना एन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, आसान सा स्ट्रक्चर है। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, यहाँ से रेडिकली ब्रेक होगा, रेडिकल यहाँ ब्रेक होगा, यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकली, तो ये जो रेडिकल होंगे ये आपस में जुड़ के एक डबल बॉन्ड यहाँ ले आएंगे, और सिमिलरली जो ये रेडिकल होंगे, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ, ये रेडिकल जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके बन जाएंगे ब्यूना एन, राइट। ब्यूना एन क्या है, ब्यूना एन इट इज रेजिस्टेंस टू एक्शन ऑफ पेट्रोल लुब्रिकेंट ऑयल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है, यूज टू मेकिंग ऑयल सील, टैंक लिंकिंग, ठीक है, ये भी ऑयल सील वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ब्यूना एन था। ब्यूना एन में क्या इंपॉर्टेंट है सर, ब्यूना एन में आपका इंपॉर्टेंट है उसके जो मोनोमर यूज करते हैं, यानी कोपॉलीमराइजेशन में जो दोनों यूनिट यूज करते हैं, इसके दोनों नाम बेहतरीन इंपॉर्टेंट होने चाहिए और इसका स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है और ये दोनों मोनोमर भी पूछे जा सकते हैं, राइट। चले, जैसे ब्यूना एन था वैसे अगला है ब्यूना एस। ब्यूना एस, ठीक है, ब्यूना एस फेमस है, लेकिन कभी कभी इसको SBR लिख देते हैं, और SBR लिख देने में बहुत ही इचिंग इरिटेटिंग फील होती है, SBR क्या है सर, मैंने सुना नहीं। S स्टैंड्स फॉर स्टायरीन, B स्टैंड्स फॉर ब्यूटाडाइन एंड R स्टैंड्स फॉर रबर। SBR का मतलब है स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। ठीक है, दो तीन बार आप दिमाग में रोटेट कराएंगे तो बातें क्लियर हो जाएंगी, राइट। फिर से ब्यूटाडाइन दोनों में कॉमन है, इसलिए ब्यूना कॉमन है, दोनों में बातें कॉमन है, क्या ब्यूना कॉमन है दोनों में, तो ब्यूटाडाइन कॉमन है, एक में एन है और एक में एस है, इन दोनों का मतलब समझ में आना चाहिए। एन फॉर एक्राइलोनाइट्राइल, एस फॉर स्टायरीन। ठीक है, ये सारी बातें आपको बेहतरीन तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए स्टायरीन का स्ट्रक्चर, ठीक है, स्टायरीन का स्ट्रक्चर, ठीक है, हर बात पता होनी चाहिए यार। इंटीजर टाइप का एग्जाम, अगर मैं जे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, इंटीजर टाइप क्वेश्चन आ रहा है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड स्टायरीन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन स्टायरीन, हर बात पूछी जा सकती है, जो भी क्वेश्चन पूछे, सिग्मा पाई बॉन्ड स्टायरीन, ठीक है, हर बात आपको जैसे भी आप चाहें, लेकिन सारी बातें होंगी स्ट्रक्चर रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको नाम पता है, स्ट्रक्चर पता है, तो यू मेक श्योरिटी आंसर, राइट। तो फिर से बिल्कुल मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन वही है, जहां पे आपका CN लगा था वहां पे C6H5 लग जाएगा, तो यही स्ट्रक्चर आपका किसका है, ब्यूना एस का, ब्यूना एस यानी SBR यानी स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, राइट। ओके, इसका यूज क्या है, इसका यूज अगर देखेंगे, इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटो टायर, ठीक है, ये जो ऑटो व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, इन्हीं के टायर बनाने में यूज करते हैं, ठीक है, फ्लोर टाइल्स, ठीक है, फुटवेयर, शूज वगैरह के जो है वो हील्स बनाने में यूज करते हैं उसके, ठीक है, बूट वगैरह के सोल्स बनाने में यूज करते हैं, राइट। इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, राइट। तो ब्यूना एस और ब्यूना एन में ब्यूना कॉमन है, दैट इज ब्यूटाडाइन, एन सब्सटेंस फॉर, एस स्टैंड्स फॉर स्टायरीन, एन स्टैंड्स फॉर एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है, बार बार बोलते रहने से दिमाग में बातें पहुंचती हैं और लिखते ही हमें और भी क्लियरिटी आती है, राइट। तो क्या इतनी बातें सब बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं, अगेन यहाँ पे पराक्साइड होगा, ठीक है, अगेन यहाँ पे पराक्साइड, क्योंकि जब भी बातें होंगी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की तो पराक्साइड वहां पे होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, ओरलॉन,
नेक्स्ट पॉलीमर, ये भी बहुत ही अनयूजुअल है, ओरलॉन लिख दिया जाए भाई साहब, फील नहीं आती लोगों को कि ओरलॉन का मोनोमर क्या है, समझ रहे, क्योंकि ये बहुत ही अनयूजुअल सा लगता है कि यार ओरलॉन क्या है यार। फिर ये क्या है, पैन, पैन, ये पैन क्या है, तो जो थोड़ा सा अनयूजुअल लगता है, जिसके नाम से उसके स्ट्रक्चर की फीलिंग नहीं आती, जिसके नाम से उसके मोनोमर की याद नहीं आती, वो ध्यान रखना परेशान करेगा। तो पैन या एक्रिलीन, ये सब के सब नाम एक ही पॉलीमर के हैं, सबके नाम, चाहे उसे ओरलॉन बोल दिया जाए, चाहे पैन बोल दिया जाए, चाहे एक्रिलीन बोल दिया जाए, सारे के सारी बातें एक ही है और उसका पॉलीमर वही है एक्राइलोनाइट्राइल, जो ब्यूना में एन का काम कर रहा था, जो ब्यूना में एन का काम कर रहा था वही पॉलीमर है, यानी एक्राइलोनाइट्राइल, राइट। एक्राइलोनाइट्राइल अगर आप ले लेंगे और एक्राइलोनाइट्राइल का पॉलीमराइजेशन फ्री रेडिकल कैटलिस्ट के साथ करा देंगे तो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल बन जाएगा, इसी को हम पैन पढ़ते हैं या ओरलॉन पढ़ते हैं, ओरलॉन पढ़ते हैं, राइट। ये ऊन होता है, ऊन, ओरलॉन का मतलब सब्सटीट्यूएंट्स, आप ऊन, ठीक है, ऊन की सब्सटीट्यूएंट्स में इसे यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पैन का मोनोमर क्या होता है, एक्राइलोनाइट्राइल, हाँ एक्राइलोनाइट्राइल, हर चीज बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ठीक है। विनाइल साइनाइड भी पढ़ सकते हैं, जो भी अलग अलग बातें हैं, ठीक है, इधर कॉमन नेम, इधर आईयूपीएसी नाम बेहतरीन तरीके से पूछा जा सकता है, समझ रहे हैं, मतलब जितनी पॉसिबिलिटी है वो मैं सब आपको बता दे रहा हूँ, आप सोचते रहिए, समझते रहिए और धीरे धीरे पेन चलाते रहिए, जो भी आपको जरूरत का लग रहा हो उसे आप लिखते चलिए, राइट। क्योंकि आप सब, आप ये इस बात को भी जानते हैं कि हर चीज़ यार लिख लिख के बोली नहीं जा सकते, ठीक है, और आप चीज़ों को अपने ज़रूरत के हिसाब से समझते चलिए। लेकिन अब बात वही है कि आप जो क्वेश्चन देखते हो, जो प्रोफेशन है, उसके आसपास सोचा कीजिए, सब बेहतरीन तरीके से चलेगा, राइट। चलिए खत्म हुआ, अब पैन बन गया, इसका यूज देख लीजिए, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल इज यूज द सब्सटीट्यूएंट्स, आप ऊन, वही बात कर रहा था ना, ऊन के सब्सटीट्यूएंट्स की तरह यूज करते हैं, कमर्शियल फाइबर, ओरलॉन और एक्रिलीन, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं बेहतरीन तरीके से यहां पर सब लोग साथ में चल रहे होंगे, आगे बढ़ते हैं। पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर अगेन इज द वेरी वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट, पॉलीएस्टर, राइट, लेट मी चेंज द कलर, ओके, पॉलीएस्टर, राइट। पॉलीएस्टर क्या होता है, ये भी नई हेडिंग लिखेंगे, 8th नंबर पॉलीमर है पॉलीएस्टर, राइट, बेहतरीन तरीके से सब लोग साथ में चल रहे हैं, पॉलीएस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीएस्टर में सबसे पहला टेरिलीन या डेक्रॉन, दोनों नाम एक ही पॉलीमर के हैं, टेरिलीन और डेक्रॉन, यकीन मानिए इसके नाम से इसके मोनोमर की याद तो क्या, दूर दूर तक उसकी भनक तक नहीं लगती, तो अगेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज यूज्ड फाइबर एंड यूज द क्लॉथ मिक्सिंग कॉटन एंड ग्लास रेनफोर्सिंग मटेरियल, ठीक है, एंड सेफ्टी हेलमेट्स, ग्लास रेनफोर्सिंग मटेरियल और सेफ्टी हेलमेट्स, ठीक है, ये दो एग्जांपल ज़्यादा फेमस है जो पूछे जाएंगे आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज फॉर द मेकिंग ऑफ रेनफोर्सिंग मटेरियल या फॉर द मेकिंग ऑफ सेफ्टी हेलमेट, क्या फाइबर्स, एग्जांपल आपसे पॉलिएस्टर पूछ लिया जाएगा, पॉलिएस्टर्स या फिर पॉलीएमाइड या पॉलीथीन, ऐसे दो तीन चार एग्जाम्पल आपसे लिख दिया जाएगा, तो ठीक है, तो इसके साथ ध्यान रखेंगे। अब इसकी प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं कि डेक्रॉन, सॉरी क्या है, टेरिलीन, एग्जैक्टली टेरिलीन और डेक्रॉन, सॉरी टेरिलीन और डेक्रॉन या दोनों बातें एक ही हैं, वो प्रिपेयर कैसे होती हैं, यानी उसके मोनोमर यूनिट क्या है, तो ध्यान से देखिए उसके मोनोमर यूनिट लेते हैं हम लोग, इथाइलीन ग्लाइकॉल, अभी से मैं पूछ लूंगा यार इथाइलीन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर बनाओ तो आधे लोग रोने लगेंगे, इथाइलीन ग्लाइकॉल, बोल रहे क्या बात कर रहे हैं सर, हमें तो पता है,
क्यों रोने लगेंगे मैं बताऊं, इथाइलीन ग्लाइकॉल इसका नाम होता है, इथाइलीन ग्लाइकॉल, राइट, इथाइलीन ग्लाइकॉल, या इसका आईयूपीएसी नाम एथेन 1.2 डाइऑल, लिखते रहेंगे साथ साथ, इथाइलीन ग्लाइकॉल एथेन 1.2 डाइऑल। काफी लोगों सर आपने गलत लिख दिया, कैसे गलत लिख दिया, आपने यहाँ पे इन लिखा है लेकिन डबल बार नहीं लगाया, देखा सर हमने आपकी गलती, अल्फाज नहीं मिल रहे मुझे आपसे बोलने के लिए कि अगर आपने गलती पकड़ी तो क्या पकड़ी, ठीक है भैया ये बिल्कुल सही लिखा है, इथाइलीन ग्लाइकॉल इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, इसी वजह से आप परेशान रहते हैं इसमें। और इसके साथ दूसरा यूनिट क्या लेते हैं, इसके साथ दूसरा यूनिट लेते हैं टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड, ये सारे के सारे नेम बहुत ही खतरनाक तरीके से इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खतरनाक तरीके से इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, टेरिथैलिक एसिड है, इसको हम हीट करते हैं, एक रिएजेंट है बट बहुत फेमस नहीं है, जिंक एसीटेट ZnOAC का होल ट्वाइस प्लस SbO3 एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, ये रिएजेंट यहां पे लेते हैं, जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, ठीक है। फिर क्या करते हैं सर, इसके साथ इसके N मॉलिक्यूल इथाइलीन ग्लाइकॉल और N मॉलिक्यूल टेरिथैलिक एसिड, इसका नाम लिख लेंगे, इसका नाम होता है टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड, TERPHTH, पिथाइलिक नहीं, टेरिथैलिक एसिड, पिथाइलिक लिखते हैं बस, PS थाइलेंट, राइट, टेरिथैलिक एसिड, इसका आईयूपीएसी नाम सर, इसका आईयूपीएसी नाम बेंजीन 1.4 डाई कार्बोक्सैलिक एसिड, डाई कार्बोक्सैलिक एसिड, इसमें भी काफी लोग बोल तो ओइक एसिड लिख के बैठे हो, ठीक है, तो दोनों बातें आप ध्यान में रखिएगा। सोचिए सर क्या बात कर रहे हो, हमें तो यार बहुत समझदार हैं हम, समझदार भैया बधाई हो, ये दोनों नाम भैया ध्यान रखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ऑर्गेनिक हो रही, मतलब ऑर्गेनिक तो पढ़ ही रहे, मतलब ये प्योर ऑर्गेनिक से स्टार्ट होकर पॉलीमर तक जाया जा सकता है, ये इतना बेहतरीन रिएक्शन है। अब यार ये पूरा स्पेस भर गया, मैं पॉलीमर कहाँ लिखूंगा, चलते हैं अपने वापस वाले पेज पे, ठीक है वापस वाले पेज पे आते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं क्या है, राइट, फिर से बहुत तेजी से लिखूंगा कुछ इस तरीके से, जस्ट अ सेकेंड, ओके, इथाइलीन ग्लाइकॉल CH2 और ये OH और टेरिथैलिक एसिड, राइट, दिस इज टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड, ठीक है, इसके साथ क्या कैटलिस्ट लिया था, इसके साथ कैटलिस्ट लिया था जिंक एसीटेट OAC का होल ट्वाइस प्लस SbO3 एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, ये आपके साथ कैटलिस्ट लिया था, राइट, इसको हीट करते हैं तो आप देखिए इसके N मॉलिक्यूल लेते हैं, इसके N मॉलिक्यूल लेते हैं, ये क्या है, मैं लिख चुका हूं यार, इथाइलीन ग्लाइकॉल है और ये क्या है, टेरिथैलिक एसिड, सर क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन का मतलब वाटर निकलेगा, एसिड से H, सॉरी एल्कोहल से H और एसिड से OH, एस्टरीफिकेशन होगा, सिंपली बात बोलूं तो एस्टरीफिकेशन होगा, क्योंकि ये एल्कोहल की तरह भी है, एसिड की तरह, एसिड एल्कोहल आपस में क्लब होंगे, वाटर निकलेंगे और आराम से प्रोडक्ट बन जाएगा। अच्छा क्या सर दो ही जुड़ेंगे, नहीं, इधर फिर से अल्कोहल आएगा, इधर फिर से एसिड आएगा, उधर फिर अल्कोहल आएगा, फिर एसिड आएगा, ऐसे बहुत सारे यूनिट जुड़ेंगे, तो बहुत सारे यूनिट कहां तक लिखेंगे हम लोग, बहुत सारे यूनिट अगर लिखेंगे तो हम लोग कहां तक लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एक रिपीटेड यूनिट हम लोग लिखेंगे, राइट, एक रिपीटेड यूनिट लिखेंगे, तो यहां से फिर से हम ये छोड़ देंगे क्योंकि एच जा रहा होगा, ओ CH2, यहाँ पे O, C डबल बॉन्ड O, दिस एंड C डबल बॉन्ड O, दिस, यहाँ पे यार इसको मैं छोड़ रहा हूँ, क्यों, ये OH इसलिए छोड़ रहा हूँ कि उधर से जो इथाइलीन ग्लाइकॉल का दूसरा यूनिट होगा वो इसके OH को लेके निकल रहा होगा, तो ये आपका जो आएगा ये N, इसी को हम पढ़ेंगे टेरिलीन, क्या पढ़ेंगे, टेरिलीन या डेक्रॉन, राइट,
ध्यान रखिएगा, इसी को हम पढ़ेंगे टेरिलीन डेकरॉन। या और क्या पढ़ सकते हैं सर इसे, इसे और पढ़ सकते हो, इसे अगर आप देखो तो ये एस्टर लिंकेज है। क्या है? एस्टर लिंकेज है, एस्टर लिंकेज है। तो इसे हम और क्या नाम से पढ़ सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं पॉलीएस्टर। इसी में तो हम पढ़ रहे हैं यार, पॉलीएस्टर की एग्जाम्पल तो हम कर रहे हैं। नोटिस कीजिए, पॉलीएस्टर के ही एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो ये टेरिलीन है। ठीक है, बेहतरीन तरीके से, एकदम सुपर तरीके से इसको आप नोट करते हुए चलेंगे। बहुत ही एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, मोनोमर यूनिट इसके पता होने चाहिए आपको, कि इसके मोनोमर यूनिट कौन कौन से हैं। ठीक है, उस मोनोमर के नाम, उसके स्ट्रक्चर बहुत ही सुपर तरीके से पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको कोर ऑर्गेनिक चैप्टर में एसिड भी पढ़ेंगे, इथाइलिन ग्लाइकॉल भी पढ़ते हैं, सब आपसे पूछा जा सकता है। राइट, तो इतना नोट कर लिया। राइट, चलिए नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसी में दूसरा पार्ट आपके सामने आता है। ओके, इसी का दूसरा पार्ट आपके सामने आता है, व्हाट इज द सेकंड ग्लिप्टल। राइट, अब ये आपके पास, आगे मैं बता चुका हूं, इसी के आगे हम लोग पॉलीमर बना चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। राइट, नेक्स्ट इज ग्लिप्टल। सॉरी, ग्लिप्टल। ग्लिप्टल क्या होता है? इट इज ऑल्सो कंडेंसेशन पॉलीमर इन यूज फॉर द मेकिंग पेंट्स एंड लिकर। इसको भैया बहुत बेहतरीन तरीके से अंडरलाइन करेंगे। पेंट एंड लिकर पूछ लिया जाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज इन द मेकिंग ऑफ पेंट्स एंड लिकर। बहुत ही खतरनाक तरीके से इसको अंडरलाइन करेंगे। पेंट्स एंड लिकर बनाने में किसको यूज करते हैं? ठीक है, राइट, इतना आप नोट कीजिए। इट इज ऑल्सो कंडेंसेशन पॉलीमर, इसको भी बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब ये बातें आपको पता है, बाई फंक्शनल ग्रुप है, वाटर एलिमिनेट कर रहा है, तो वो क्या होगा? कंडेंसेशन पॉलीमर ही होगा बेहतरीन तरीके से। राइट, चलिए आगे बढ़े, फिर से वापस चलते हैं, स्ट्रक्चर वही बनाएंगे हम लोग। ठीक है, स्ट्रक्चर इसमें बेहतरीन तरीके की बात अगर बोलूं कि इथाइलिन ग्लाइकॉल यहां पर भी होता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल यहां भी होता है, CH2OH इथाइलिन ग्लाइकॉल यहां भी होता है, बट यहां पे हम दूसरा लेते हैं। क्या लेते हैं? एक मिनट, थोड़ा मुझे फिर से लिखने दो, बेहतरीन तरीके से समझ में आपको आए इसलिए थोड़ा सा मुझे एंगल बदलना पड़ेगा। राइट, ये आपके पास एसिड होता है और इथाइलिन ग्लाइकॉल यार अभी भी वही होता है। कोई मुझे बताएगा इसका नाम? इसका नाम होता है थैलिक एसिड। क्या? थैलिक एसिड। उसका नाम था टेरिथैलिक एसिड, 1,4-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का नाम था टेरिथैलिक एसिड। इसका नाम केवल थैलिक एसिड है और इसको तो आप जानते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल। राइट, अब फिर से प्रोसेस बिल्कुल सेम सा है। सेम सा क्या सर? यहां से आप वाटर निकाल देंगे। अच्छा, यहां से भी आपको इस OH को निकालना पड़ेगा और यहां से S निकालना पड़ेगा। राइट, तो चलिए इसका स्ट्रक्चर जो बनता है उसको वैसे बनाते हैं जैसे आपको देखने को मिलता है। राइट, कुछ इस तरीके से ऐसे बना दिया। अच्छा, 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है यार, इसको भूलेंगे नहीं, बेंजीन 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। राइट, इसका आईपीसी नाम। हर एक चीज भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर यहां पे आपके पास क्या है? C डबल बॉन्ड O दिस। फिर से यहां पे क्या है? C डबल बॉन्ड O, लेकिन यहां पे अब आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल जुड़ा होगा। राइट, तो ये आपके पास पॉलीमर आ गया इस तरीके से। C डबल OH से OH हटा दिया, क्यों? क्योंकि इधर इथाइलिन ग्लाइकॉल का दूसरा यूनिट जुड़ रहा होगा और ये आपको नजर ही आ रहा है कि ये आपका क्या है? एस्टर है। तो इसी का नाम होता है भैया ग्लिप्टल। ग्लिप्टल, ठीक है, पेंट्स में यूज करते हैं। एक ऐड आता था यार आपके टीवी पे, अगर आप देखते होंगे, आप दीवार पे आप पानी फेंकते होंगे, बारिश होती है, वो पेंट मुस्कुराता रहता था। ठीक है, तो इसी वजह से कि कोई दिक्कत नहीं है, बारिश होती रहे, पेंट्स खराब नहीं होंगे आपको, पेंट्स खराब नहीं होंगे। आयल
पेंट साइन लिखकर, राइट। तो ध्यान रखना, थैलिक एसिड इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ ग्लिप्टल, टेरिथैलिक एसिड इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ डेक्राम। दोनों बातों को बेहतरीन तरीके से याद रखेंगे। अभी आप अपने रूम पार्टनर से पूछ लेंगे, लंच या डिनर करने जाएंगे, चार पांच पॉलीमर अपने पार्टनर से पूछ लेंगे, वो भूल गया होगा, उसको भी याद हो जाएगा, आपको तो याद ही है, नहीं याद होगा फिर से याद हो जाएगा। चलते फिरते जो चीज़ याद करनी हो किसी से पूछ लिया करो, भूल रहे हो किसी को खड़े हो जाओ, पांच क्वेश्चन मैं तुरंत पूछूंगा, पांच क्वेश्चन में यार याद करने का तरीका ना, अपने अच्छे दोस्त से अपने पार्टनर से बोल दो कि हर दिन मैं तेरे से पांच क्वेश्चन पूछूंगा और तुझको भी मेरे से पांच क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, ठीक है। जिस दिन मैं पांचों बता दूंगा पार्टी तू देगा, जिस दिन तू पांचों बता देगा पार्टी मैं दूंगा, ऐसे। ये बात और है कि ना ही कभी आप पांच बता पाएंगे ना ही कभी पांच को बता पाएगा, क्यों? क्योंकि पार्टी देना है यार, तो ऐसा क्वेश्चन तो पूछोगा नहीं कि पांचों को बता दे। सोच रहे हो क्या बात कर रहे हो सर, आपने दिल की बात कर दी। हाँ फाइन, तो ध्यान रखा दो पॉलिएस्टर है, अच्छा ये भी पॉलिएस्टर है, इसमें डाउट तो है नहीं, ये भी आपका क्या है पॉलिएस्टर है, राइट, कोई परेशानी इसमें है नहीं। पॉलिएस्टर जो है, दो एग्जांपल पॉलिएस्टर के आ चुके हैं, फर्स्ट इज डेक्रॉन और सेकंड इज ग्लिप्टल, ठीक है, डेक्रॉन ग्लिप्टल, ठीक है, डेक्रॉन ग्लिप्टल एकदम दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ओके बेहतरीन। तो सीधे सीधे अगर मैं यहाँ पे केवल केवल स्ट्रक्चर बना दूँ तो शायद फिर से आपको दिमाग, स्ट्रक्चर जब भी आप थोड़ा सा आपको समय मिल जाए, फुर्सत में आप हों, तुरंत आप कुछ ना कुछ रिएक्शन, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर अपने रफ कॉपी पे बनाना शुरू कर दें। जितना आप लिखेंगे ना वो आपको यार बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। ये आपका क्या है ग्लिप्टल, राइट, टेरिलीन या डेक्रॉन नहीं है, क्या है ग्लिप्टल। द ओनली डिफरेंस बिटवीन टेरिलीन एंड ग्लिप्टल दैट इज एसिड, टेरिथैलिक एसिड एंड थैलिक एसिड, दोनों बातों को एकदम बेहतरीन तरीके से सुपर तरीके से आप अंडरलाइन करते हुए पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते, राइट, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉलीएमाइड क्या है, पॉलीएमाइड इन नंबर डाल लेंगे, इन नाइन नंबर की बात चल रही है, आई एम सो सॉरी, ये नाइन नंबर की बात चल रही है, ये नाइन्थ, एट हम लोग पीछे छुड़ाए हैं, नाइन्थ नंबर की बात चल रही है, नाइन्थ है पॉलीएमाइड, ठीक है। पॉलीएमाइड में सर क्या है, पॉलीएमाइड तो एग्जाम्पल समझ, एमाइड जिसमें बहुत सारे हो, एमाइड तो आपको नायलान में ही मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज के साथ उसके नाम के साथ ट्यूनिंग बिताइए, इट इज द प्रिपेयर बाई कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ध्यान रखिएगा फिर से, पॉलीएमाइड किससे बनता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है, मार्क माई वर्ड, ठीक है, ऑफ हेक्सामिथाइलिन, किसका, नायलॉन 66 हेक्सामिथाइलिन डायमाइन एंड एडिपिक एसिड, ये दोनों आपके क्या है मोनोमर यूनिट है, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन एंड एडिपिक एसिड, हम लोग प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं इसके बारे में। अंडर द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर नायलॉन 6 इज यूज एंड मेकिंग सीड्स ब्रिटल्स एंड ब्रशेस एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, ब्रशेस वगैरह यूज किया जाते हैं, ब्रशेस वगैरह, ठीक है, फ्लोरिंग वगैरह को साफ करने के लिए बड़े वाले ब्रशेस आते हैं उसी को में हम यूज करते हैं इसको, राइट, ओके। ये आपके पास हेक्सामिथाइलिन डायमाइन है, प्रिपरेशन हम लोग हो चुका है इसलिए ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन एडिपिक एसिड, ठीक है, ये आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपका क्या है हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और ये आपका क्या है एडिपिक एसिड है, और आपके साथ जो ये बन रहा है ये क्या है आपके पास नायलॉन 66, ठीक है। पहले हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, इसके स्ट्रक्चर, इसकी प्रिपरेशन के बारे में, इसीलिए ज़्यादा समय दे नहीं रहे हैं, राइट, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सुपर तरीके से सब लोग साथ में चल रहे हैं, सब कुछ साथ में नोट करते हुए चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा साथ में नोट करते हुए चलिएगा, हर एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनली आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन की लड़ाई है, एक क्वेश्चन की लड़ाई है, एक क्वेश्चन की लड़ाई है, राइट। चलिए आगे बढ़े, बेहतरीन तरीके से सब लोग साथ में चल रहे हैं, ओके ठीक है। नेक्स्ट आपका वो पहला था, ये दूसरा नंबर है, ठीक है, नायलॉन 610, ठीक है, नायलॉन 610, पहला था नायलॉन 66, दूसरा है नायलॉन 610, राइट। नायलॉन 6 में 10 में एक 6 यार कॉमन है, तो एक 6 अगर कॉमन है भैया तो हेक्सामिथाइलिन डायमाइन भी कॉमन है,
और दूसरे वाले में आज 10 आएगा तो मतलब दूसरे में 10 कार्बन होने चाहिए, तो उसका मतलब सिबेसिल क्लोराइड है। ध्यान रखिएगा सिबेसिल क्लोराइड है, ये उतना ज़्यादा फैमिलियर नहीं है। फैमिलियर जब मैं बोलूँ नहीं है, इसका मतलब क्या यार, इसका मतलब ये है कि वो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा नहीं गया है, वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, दैट आई मीन ज़्यादा फैमिलियर नहीं, राइट। लेकिन अब इसका पॉलीमर बनाया जा सकता है, सिबेसिल क्लोराइड या सिबेसोइक एसिड, यहाँ पे क्लोराइड की जगह OH, दैट्स ओके, तब भी बन जाएगा ये पॉलीमर, क्योंकि परेशानी नहीं है। यहाँ पे HCl निकल रहा है, OH होगा तो वाटर निकलेगा, तो यहाँ पे स्मॉल n मॉलिक्यूल ऑफ HCl जब रिलीज होंगे तो आपको ये पॉलीमर बन जाएगा, राइट। पॉलीएमाइड ये भी है, क्योंकि आप देख रहे हैं पॉलीएमाइड ये भी है, तो जैसा फीचर, जैसा स्ट्रक्चर, जैसी प्रॉपर्टी नायलॉन 6-6 की है, एज यूजुअल नायलॉन 6-10 की है, राइट। तो आप बेहतरीन तरीके साथ में चल रहे होंगे, सब लोग इसको नोट करते हुए चल रहे होंगे, राइट। प्लीज नोट इट डाउन, अगर आपने नोट नहीं किया है, पॉज द स्क्रीन एंड मार्क माई एवरी वर्ड, एवरी सिंगल वर्ड, बेहतरीन, राइट, ओके, आगे बढ़ते। नायलॉन 6-6, ये गंदा सा ये इमेज आपको मिल गया यहाँ सामने, राइट। तो लेकिन इस पर फोकस करेंगे, नायलॉन 6, राइट, नायलॉन 6, नायलॉन 6-6 पढ़ लिया, नायलॉन 6-10 पढ़ लिया, नायलॉन 6 की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कैप्रोलैक्टम, मार्क माय वर्ड, दिस मोनोमर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैप्रोलैक्टम, ठीक है, कैप्रोलैक्टम नाम पता होना चाहिए। अभी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग व्हाट, कैप्रोलैक्टम विथ वाटर, वन पॉइंट अगेन इंपॉर्टेंट, यानी सर क्या ये हाइड्रोलिसिस से बनता है? यस, ये हाइड्रोलिसिस से बनता है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीएमाइड या पॉलीमर इज मेड बाय द हाइड्रोलिसिस, राइट, किसके हाइड्रोलिसिस से बनता है, तो ये बात आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास है, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर, ठीक, हाई हाई टेम्परेचर, राइट, नायलॉन 6 इज यूज द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर क्रोड्स, वही टायर क्रोड्स, फाइबर्स एंड पाइप्स, ठीक है, फैब्रिक, सॉरी, आई एम सो सॉरी, टायर क्रोड एंड फैब्रिक एंड पाइप्स, राइट। इसके बारे में बात करते हैं, जैसे देखिए कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर ये है, 6 मेंबर्ड रिंग होगा, एक एमाइड रिंग होगा 6 मेंबर, जिसमें नाइट्रोजन विल बी द आल्सो पार्ट ऑफ मेंबर, ठीक है, और इसको 533 से 543 केल्विन पे वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो नायलॉन 6 बनता है, राइट। इसे आप बेहतरीन तरीके से पहले नोट कर लीजिए, फिर अभी थोड़ी सी बात इसके बारे में और मैं कर देता हूँ, इसको और भी बेहतरीन तरीके से बता दूँ, पहले इतनी बातें आप नोट कर लीजिए। आई होप प्रोबेबली आप साथ साथ लिख भी रहे होंगे, नोट भी कर रहे होंगे, इसमें कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं है, हम लोग बहुत ही स्लोली मूव कर रहे हैं, राइट, ओके। इसको मैं बैक स्क्रीन बताता हूँ कि ये कैसे हुआ होगा, राइट, कैप्रोलैक्टम, ओफ ये, राइट। जैसे कैप्रोलैक्टम का मतलब क्या है, जैसे अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ मैं, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, N के साथ H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड CH2, ये 4, 5, 6, 7, ओफ, ये आपके पास कैप्रोलैक्टम आ गया, देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 मेंबर की रिंग है, लेकिन उस 7 मेंबर रिंग में नाइट्रोजन पार्ट है, तो इसी को हम पढ़ते हैं कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम, राइट। इसको हम क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, हाई टेम्परेचर पे इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, तो हमें नायलॉन 6 मिलता है, नायलॉन 6 मिलता है। एक्चुअली अगर देखें तो इसका तरीका क्या है नायलॉन 6 का, तो आप इस तरीके देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से सर ब्रेक हो जाता है और N उधर चला जाता है और CO इधर चला जाता है। जब N उधर जाएगा, जब देखिए क्या आएगा, N के साथ H है तो ये रहेगा कुछ इस तरीके से। एक बार बताइए, उस वक्त CH2, 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 कितने टाइम CH2? 1, 2, 3, 4, 5, 5 टाइम्स CH2, राइट, ये आपके पास, उफ, आई एम सो सॉरी, 5 टाइम्स CH2 और फिर क्या, CO, यही भैया आपके पास जो आया यूनिट, ये रिपीटेड यूनिट आपका क्या है, नायलॉन 6 है।
ध्यान रखिएगा, ये भी आपका एक क्या है, पॉलीएमाइड है, बस अर्थ यहाँ पे लोगों को दिखता नहीं माइड लिंकेज, क्या यही होगा यार, ऐसे एन आगे होंगे, एन आगे होंगे, तो ये आपका नायलॉन सिक्स का मोड है, नायलॉन सिक्स का मोड है, नायलॉन सिक्स ऐसे प्रिपेयर करते हैं, राइट। ये आपका कैप्रोलेक्टम है, कार्बोनिल और एनएच के बीच को बांड तोड़ करके स्ट्रक्चर को ओपन कर देंगे, वही स्ट्रक्चर नायलॉन सिक्स होगा। सिक्स आपको यहाँ पे याद दिलाएगा कि सिक्स का मतलब है सिक्स कार्बन, ठीक है, सिक्स का कर मतलब है छह कार्बन आपके पास होंगे, राइट, सिक्स कार्बन होंगे नायलॉन सिक्स में, ठीक है, पॉलीएमाइड। अच्छा, इसमें और भी चीजें समझी जा सकती हैं, ठीक है, और भी बेहतरीन तरीके से क्या समझी जा सकती हैं कि कभी कभी आपको ये ना देके यार कभी ऐसे दे दे, मतलब कैसे दे दे सर, इसे नोट कर लिया पहले, बोले इतनी बात बताइए, इतनी नोट कर लिया कि नहीं, मैं थोड़ी सी और बात इसमें और बताना चाहता हूँ, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या इसमें और दे सकता सर, ऐसे इसमें दे सकता यार कि उफ, आई एम सो सॉरी, जैसे ये आपके पास यहाँ पे N है, H है, H है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो गया 1 2 3 4 5 6 7, राइट, ये हो गया। अब इसको अगर कोई बोल दे कि यार इसको वाटर के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन किया गया, तो पहले अगर कोई हाइड्रोलाइज कर दे, हाइड्रोलाइज करने का मतलब सर एच यहाँ दे दे और ये ओ एच यहाँ दे दे, तो आपको मिलेगा H2N, यहाँ पे CH2, ओह मैं इसको होल फाइव कर देता हूँ, CH2 का होल फाइव एंड COOH। इसका एक नाम होता है यार, इसका नाम होता है कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक एसिड, राइट। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है सर, इसका दूसरा नाम हो सकता है 6-अमीनो-हेक्सेनोइक एसिड, ओह हेक्सेनोइक एसिड, 6-अमीनो-हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है। अब ये 6-अमीनो-हेक्सेनोइक एसिड जब बना, अब ये 6-अमीनो-हेक्सेनोइक एसिड का क्या सेंस है, अब 6-अमीनो-हेक्सेनोइक एसिड है, ये फर्दर हीट किया जाए, इसको फर्दर हीट किया जाए इसके एन मॉलिक्यूल के साथ, एन मॉलिक्यूल के साथ हीट किया जाए, तो अब फिर से कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा तो फिर से देखो यहाँ पे एक ये छमटा देंगे, यहाँ से वो ये छटा देंगे, तो देखो नायलॉन सिक्स अभी भी बन रहा है, ठीक है सर। इससे इसमें क्या बताना चाह रहे थे, इसमें बताना मैं ये चाह रहा था कि हो सकता है आपको डायरेक्ट कैप्रोलेक्टम नजर ना आए, ये आपको नजर आए तब भी नायलॉन सिक्स बना देना, ये अगर नजर आए, क्योंकि कैप्रोलेक्टम बहुत ही फेमस है, बंदे को याद होता है, हर बच्चे को याद होता है कि सर कैप्रोलेक्टम क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी आपका क्या है, नायलॉन सिक्स है, क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है, क्या ये बात हर किसी को बेहतरीन तरीके समझ में आ रही है, तो ध्यान रखिएगा ये बातें दोनों आपस में रिलेटेड हैं, चाहे ये आपके बातें बोली जाए तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, हाइड्रोलिसिस करने के बाद बन रहा है, या आपके पास ये बातें बोली जाए, दोनों बातें बेहतरीन तरीके समझ में आनी चाहिए, एक एक बात एकदम ढंग से क्लियर होनी चाहिए, राइट। चलिए नोट कीजिए, आई होप कि आप सब लोग नोट करते होंगे, साथ साथ चल रहे होंगे, आगे बढ़ते हैं, राइट, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, बैक टू द स्क्रीन, राइट, ये आपके पास आ गया, तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज 10 नंबर पॉलीमर, 10वें नंबर पॉलीमर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज बेकेलाइट या फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर से पढ़ते हैं, जैसे कि मैं बोल चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहले से रहा है, तो आज भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपके सामने लिखा है, इसमें यहीं पर मैं बोल देता हूँ चीज़ों को। बोला गया है नोवेलॉक ऑन हीटिंग विथ फॉर्मल्डिहाइड अंडरगो क्रॉस कंडेंसेशन टू फॉर्म इनफ्यूजिबल सॉलिड मास कॉल्ड बेकेलाइट, ठीक है। पहले यार हम लोग क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन बेकेलाइट की रिएक्शन हम लोग कराते हैं, पहले फिनॉल की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं, और फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड देखो यहां पे, देखो यहां देखो, फिनॉल की रिएक्शन हम फॉर्मल्डिहाइड से करा रहे हैं, यहां पे यार दोनों बातें हो सकती है, यहां पे एसिड भी हो सकता है एच प्लस और बेस भी हो सकता है ओ एच माइनस, ठीक है। एक्वस एन ए टू सी ओ थ्री भी ले सकते हैं, ठीक है,
एसिड बेस कैटलिस्ट, दोनों बातें हो सकती है, एसिड बेस कैटलिस्ट से मिलाते हैं तो आर्थो एंड पैरा का मिक्सचर बनता है, ये इंटरमीडिएट बोला जाता है, ठीक है, आर्थो एंड पैरा का मिक्सचर बनता है, इंटरमीडिएट बोला जाता है। और आर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल अगर हम लीनियरली ऐड करते हैं एक दूसरे के साथ पॉलीमराइजेशन के थ्रू, तो एक दूसरा इंटरमीडिएट बनता है, नोवेलैक बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, नोवेलैक इंटरमीडिएट बनता है बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ बैकेलाइड। अब उस नोवेलॉक को फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ फिर से हीट करते हैं तो आपको इनफ्यूजिबल सॉलिड मास बैकेलाइट मिलता है। इनफ्यूजिबल सॉलिड मास क्या मिलता है? बैकेलाइट मिलता है, राइट। तो ये ध्यान रखेंगे, ये आपके सामने बैकेलाइट का स्ट्रक्चर है, राइट। बेहतरीन तरीके से सब लोग साथ में चल रहे हैं, सुपर तरीके साथ में चल रहे हैं, तो ये आपका बैकेलाइट का स्ट्रक्चर, राइट, समथिंग लाइक दिस, फाइन। आगे इसमें कुछ बातें और बोली गई हैं, लिखते चलिएगा, नोट करते चलिए साथ साथ। बोला गया है इट इज यूज फॉर मेकिंग कॉम्स, बात कर चुके हैं, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स, वेरियस अनडेंसाइल कंप्यूटर डिशेस, ठीक है। तो इसमें कंप्यूटर डिस्क बनाने में यूज करते हैं, कंघा बनाने में यूज करते हैं, फोनोग्राफ, फोनोग्राम रिकॉर्ड्स बनाने में यूज करते हैं, तो बहुत ही वेरियस टाइप के यूजेस हैं इसमें। सुपर तरीके सब लोग साथ में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आराम से आप देख के बना लीजिए, ठीक है, अलग अलग तरीके से बना लीजिए, फिर आपको फिनॉल फॉर्मल। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि ये फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन हो रही है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसकी मैकेनिज्म कौन सी रिएक्शन के थ्रू कंप्लीट हो रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, चार ऑप्शन मैंने बोल दिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन EAS रिएक्शन के थ्रू हो रहा है। ये ही यार 2019 में जेई मेंस में पूछा गया कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बैकेलाइट द रिएक्शन ऑफ फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड टेक प्लेस बाय व्हिच मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। हर बार कुछ ना कुछ नया ढूंढ लेते हैं इसमें, मैं आपसे बोल रहा हूं ना कि एग्जामिनर हर बार कुछ ना कुछ नया इसमें ढूंढ लेता है, तो इस बार मैकेनिज्म ढूंढ लिया, राइट। चलो, क्या आप सुपर तरीके साथ में चल रहे हैं, सब कुछ नोट कर लिया? अगर नोट नहीं किया तो स्क्रीन को पॉज कर लिए, हम यहां से हट जाते हैं, आराम से पॉज कर लीजिए, पूरी बात नोट कर लीजिए, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट, उसी का अगला भाई कौन सा अगला भाई है? उसका अगला भाई मेलामाइन। मैंने बोला था कि यार 11th नंबर पॉलीमर है ये आजकल ज्यादा फैशन में है। आजकल सर फैशन में क्यों है? क्योंकि फिनॉल बहुत पुराना हो गया मार्केट में यार, और हर चीज समय के साथ बदलती रहती है। इट इज यूज फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल क्रॉकरी ऐसे बनाने में से यूज करते, ध्यान रखिएगा, ये आपका मेलामाइन का स्ट्रक्चर है। सॉरी, जेई में एक बार पूछा है, जेई एडवांस में, एग्जैक्टली जेई एडवांस में क्या क्वेश्चन पूछा सर? पूछा है नंबर ऑफ लोन पेयर इन मेलामाइन, ठीक है, मेलामाइन इंटीजर टाइप का क्वेश्चन आया था। हाँ बिल्कुल, अगर आप सही सुन रहे हैं, जो भी आपको सुनाई दे रहा है कि आईटी एडवांस का ये क्वेश्चन था इंटीजर टाइप में, कितने लोन पेयर है मेलामाइन में, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देखना, केमिकल बॉन्डिंग में आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ लोन पेयर इन मेलामाइन। तो आप देखिए कितने नाइट्रोजन है, 6 नाइट्रोजन है, तो 6 वहां पे आंसर था। इंपॉर्टेंट ये नहीं था कि लोन पेयर पूछा था, इंपॉर्टेंट ये था कि मेलामाइन का स्ट्रक्चर पता है, इंपॉर्टेंट ये था मेलामाइन का स्ट्रक्चर पता। तो आप ध्यान रखिएगा, मेलामाइन का स्ट्रक्चर आपके सामने है। मेलामाइन जब रिएक्शन करता है फॉर्मल्डिहाइड से तो आपको रेजिन इंटरमीडिएट बनता है, और रेजिन इंटरमीडिएट में भी लोन पेयर पूछा सकता है क्योंकि इसमें 1 डिग्री एल्कोहल आ जाता है, इसमें एक 1 डिग्री एल्कोहल आ जाता है, ठीक है। अब 1 डिग्री एल्कोहल है तो विक्टर मेयर के साथ रेड कलर भी दे सकता है, ध्यान दीजिएगा, 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है।
तो हर बात को बेहतरीन तरीके समझिएगा, ठीक है। ये मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो इस तरीके से बन जाएगा। मेलामाइन रेजिन इंटरमीडिएट में आपसे पूछा जा सकता है, लोन पेयर या सिग्मा बॉन्ड या जो भी आइटम्स पूछे जा सकते हैं। आपके पास ये देखिए 2° एमीन यहाँ पे आ जाएगा। लोकलाइज्ड लोन पेयर पूछे जा सकते हैं, कितने लोकलाइज्ड लोन पेयर हैं। ध्यान दीजिएगा, हर एक बात में बहुत ही इजी बोल रहा हूँ, बहुत ही इजी वे में बोल रहा हूँ, बट इसे आप गंभीरता से लेंगे क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आ जाता है तब वो रिकॉर्ड में शामिल हो जाता है और फिर वो फेमस हो जाता है, ठीक है। जब तक कोई क्वेश्चन एग्जाम नहीं आता तब तक यार उसको लोग लाइटली लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर आप इसके नीचे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर। आप देखिए ये आपका लोकलाइज्ड लोन पेयर है, ये लोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है, और इवेंचुअली ये दोनों लोन पेयर लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड में फर्क समझ में आता है? जो रेजोनेंस में होते हैं उन्हें डीलोकलाइज कहते हैं, जो रेजोनेंस में नहीं होते हैं उन्हें लोकलाइज्ड कहते हैं। तो स्ट्रक्चर, इट्स ऑल अबाउट द फीचर एंड फैक्ट्स बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। अगर सभी स्ट्रक्चर्स आपको बेहतरीन तरीके से सुपर तरीके से लर्न है तो क्वेश्चन कुछ भी बनेगा आप उसे इजिली क्रैक कर दोगे, राइट, ठीक है। अब उस जो मेलामाइन रेजिन है, उस मेलामाइन रेजिन को अगर पॉलीमराइजेशन यानी हीट करते हो तो आपको मेलामाइन पॉलीमर मिलता है, राइट। मेलामाइन पॉलीमर मिलता है, जो आपका स्ट्रक्चर ये दिया गया है, मेलामाइन पॉलीमर। देखिए मेलामाइन का एक आईयूपीएसी नाम भी लिखा गया है, बट इस तरह का आईयूपीएसी आपके सिलेबस में नहीं है तो आई डोंट थिंक ये पूछा जाएगा। बट स्ट्रक्चर से रिगार्ड, लोन पेयर से रिगार्ड्स, पाई बॉन्ड्स के रिगार्ड्स, ठीक है, सारी बातें आपको पूछी जा सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर के सारे फीचर्स आप ध्यान रखेंगे क्योंकि फेमस आपका हो चुका है। चलिए आगे बढ़े, बेहतरीन। 12 नंबर पे हम लोग पहुंच गए हैं, यानी आखिरी पॉलीमर पे शायद हम पहुंच गए हैं, आखिरी पॉलीमर पहुंच गए हैं, 12 नंबर, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल। अच्छा अगर हम बात करें बायोडिग्रेडेबल, क्या बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का मतलब ये होता है कि यार जो डिकम्पोज हो जाए समय के साथ, ठीक है, डिकम्पोज हो जाए समय के साथ। आज अगर इन्वायरमेंटल इशूज़ के बारे में बात करें, इन्वायरमेंटल इशूज़ के बारे में बात करें तो मोस्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल इशूज़ का सबसे बड़ा जो अबाउंडेंट कारण है वो आपके पॉलीथीन ही है। आप रिवर्स में देखिए, रिवर देखिए आप जो है, अभी तो लॉकडाउन की वजह से गंगा अपने आप को खुद साफ कर ली है, नदियाँ अपने आप को क्लीन कर ली है, लेकिन आप देखिए पॉलीथीन, आप हर जगह देखिए पॉलीथीन पॉलीथीन, क्योंकि वो डिके नहीं हो रहे हैं यार। अगर आप नालियों में फेंक रहे हैं, नदी में फेंक रहे हैं, वो वापस करके आप ही को दे देते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा कारण आपके पॉलीथीन है, इसीलिए यार पॉलीथीन को आप जितना चाहें उतना कम यूज़ करें, जितना चाहें उतना डिकम्पोज करने का प्रयास करें, क्योंकि आप वो ख़त्म नहीं होते यार, ठीक है। आप उसमें कुछ खाने होने के अगर आप कुछ यूज़ करते हैं मटेरियल तो उसको भी थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप धीरे धीरे चीज़ें अगर सुधारने का प्रयास करोगे तभी वो सुधार सकती हैं। सबसे पहला बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, राइट, सबसे पहला बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलरेट, नाम बहुत कठिन है, PHVB इसे न पढ़ते हैं, समझ रहे हैं, इसका नाम जो होता है, इसका नाम होता है PHVB, पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है, ब्यूटायरेट वैलरेट, ठीक है, इसका नाम PHVB पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, PH यहाँ पे कैपिटल B एंड V, PHVB, पी पॉली एच हाइड्रोक्सी, वी पर अपना ब्यूटायरेट और वी फॉर वैलरेट, ये नाम होता PHVB, बहुत बार यही नाम यूज कर दिया जाता है, द पॉलीमर PHVB मोनोमर यूनिट यूज, कौन कौन से यूनिट यूज होते हैं, राइट, ये पूछ सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, इसे बोला गया इट इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। आप देखिए दो इसके मोनोमर यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, इसको अंडरलाइन करेंगे, 3-hydroxybutanoic acid एंड 3-hydroxypentanoic acid, 3-hydroxybutanoic acid एंड 3-hydroxypentanoic acid, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मोनोमर यूनिट के IUPAC नाम पूछ लेगा, ये तो ध्यान रखेंगे, 3-hydroxy दोनों में 3-3 कॉमन है, एक में ब्यूटेनोइक एक में पेंटेनोइक, ब्यूटेनोइक पेंटेनोइक, ब्यूटेनोइक पेंटेनोइक, 3-hydroxy 3-hydroxy बोथ ऑफ द सेम,
दोनों में बिल्कुल सेम, राइट। ये आपके पास है 1 2 3 4, थ्री हाइड्रोक्सी है ब्यूटेनोइक, यहाँ पे आप चले आएंगे 1 2 3 4 5, थ्री हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन देखिए, यहाँ से आपका, अच्छा यार एस्टरीफिकेशन ये भी होगा, इतना तो आइडिया लग गया होगा ना, एसिड है एल्कोहल है, तो यहाँ से आप देखेंगे OH, यहाँ पे आपका एच यूज करेंगे, यहाँ से एच यूज करेंगे और यहाँ से OH यूज करेंगे, देखिए एस्टर आ गया और जो ये इथाइल है इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आया यही है PHBV, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट एंड वेलेरेट, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है PHBV का। तो आपसे पूछा जा सकता है स्ट्रक्चर ऑफ PHBV, मोनोमर यूनिट ऑफ PHBV, या पूछा जा सकता है कि आपसे बायोडिग्रेडेबल पॉलीएस्टर बताओ, तो ये भी पॉलीएस्टर है, ध्यान रखिएगा क्या है, ये भी पॉलीएस्टर है, लेकिन किस तरह का पॉलीएस्टर, बायोडिग्रेडेबल पॉलीएस्टर। डेक्रान ग्लिप्टल आपने पढ़ा था, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, राइट। तो आई होप कि आप इस बात को समझ रहे होंगे, इस बात को अहमियत दे रहे होंगे कि इसके मोनोमर यूनिट के IUPAC नाम आपको पता होने चाहिए। क्या यहाँ तक सब बेहतरीन तरीके से साथ में चल रहे हैं, हटा दिया जाए, आगे बढ़ा जाए, ओके राइट। दूसरा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, दूसरा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर दैट इज नायलॉन 2 नायलॉन 6, नायलॉन 2 एंड नायलॉन 6, राइट। प्लीज से आप नोट करेंगे नायलॉन 2 नायलॉन 6। सर ये नायलॉन 2 नायलॉन 6 क्या है, इट इज ए अल्टरनेटिंग पॉलीएमाइड को पॉलीमराइजेशन ऑफ ग्लाइसिन। नोट करेंगे इसको ग्लाइसिन, राइट, ग्लाइसिन का पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं हम लोग, ग्लाइसिन का। ध्यान से देखिए, पहला ऐसा पॉलीमर आपको मिला है जिसमें एमिनो एसिड यूज कर रहे हैं, नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड यूज कर रहे हैं, एंड एमिनो कैप्रोइक एसिड। इसका नाम सुना सुना लग रहा है, सुना सुना सा लग रहा है, हाँ, नायलॉन 6 अभी बनाया था ना, तो उसी का एक यूनिट होता है जो एमिनो कैप्रोइक एसिड, राइट। एमिनो कैप्रोइक एसिड और ग्लाइसिन जब रिएक्ट करते हैं तो आपको बनाते हैं नायलॉन 6 नायलॉन 2, राइट। नायलॉन 6 मतलब 6 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन यहाँ, तो सीजीएल नायलॉन 6 2, इट इज ए बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि हम वही सीरीज पढ़ रहे हैं तो बायोडिग्रेडेबल होगा। ये आपके पास देखिए, आपके पास है ग्लाइसिन, राइट, और ये आपके पास क्या है, कैप्रोइक एसिड, एमिनो कैप्रोइक एसिड, ओके, एमिनो कैप्रोइक एसिड, राइट, कैप्रोइक एसिड या 6-एमिनो हेक्सेनोइक एसिड। फिर से वही बात है, यहाँ पे वाटर निकाल देंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे भी पॉलीएमाइड आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉलीएमाइड, लेकिन इस बार ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। नायलॉन 2 नायलॉन 6 इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। क्या यहाँ तक बेहतरीन तरीके साथ में चल रहे हैं, तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया, थैंक यू, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बेहतरीन तरीके से आपको पूरी बातें समझ में आई होंगी, जिस लोगों ने नोट नहीं किया उस तरीके से नोट कर लेंगे। पूरे चैप्टर को हम लोगों ने आई थिंक अप्रॉक्स 2.5 आवर में फिनिश कर लिया। अब जितने स्टूडेंट्स ने बेहतरीन तरीके से नोट कर लिया है दैट इज़ वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। जिन लोगों ने नोट नहीं किया है वो आराम से फिर से एक बार से थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, नोट करते रह सकते हैं और हर बात को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, राइट। क्या इसे नोट कर लिया आपने, प्रोबेबली नोट कर लिया होगा, ठीक है। जैसे आपने इतना पेशेंस रखा है इतनी देर, मैं चाहता हूँ थोड़ी देर पेशेंस रखें। सर किस तरह से आप पेशेंस रखें, तो चैप्टर खत्म हो गया, हाँ चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ 4-5-6 क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूँ कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, मेक श्योर आपको आइडिया लग जाए कि क्या होता है। सर क्वेश्चन क्या, हाँ अभी जो हाल ही एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं 2-4 क्वेश्चन उसके बारे में बात करते हैं, राइट। चलिए तो फिर इसे मैं हटा दूँ इसे, चलिए क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आपको हर क्वेश्चन के लिए कुछ सेकेंड्स दिए जाएंगे, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन तेजी से, आई वॉन्ट द आंसर इन 20
20 seconds. I want the answer in 20 seconds, not more than 20 seconds. मुझे 20 सेकेंड मुझे आंसर चाहिए, ठीक है? I'm not hiding your screen, बिल्कुल पूरे तरीके से सामने आपके दिख रहा है, इसे आराम से देखिए, मुझे आंसर कीजिए. कुछ लोगों को लग रहा सर ये क्या, ये तो आपने पढ़ाया नहीं. हाँ यार, कभी कभी कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ाते नहीं, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए उसे अपने आप, राइट? चलो 20 सेकेंड्स. आया कोई आंसर? आया भैया? अगर आपको और समय चाहिए तो प्लीज़ पॉज द स्क्रीन एंड मेक श्योर यू गॉट द सुटेबल आंसर, राइट? चलो अब मेरे पास इतना समय नहीं है, वापस आता हूँ. क्या है इसमें? ओह सो सॉरी. इसको अगर मैं बोलूं कि क्या है, तो ये पहला यार अल्कोहलिक केएमएच, कोई मुझे बताया क्या अल्कोहलिक केएमएच क्या करता है? अब ये आपको पूरी ऑर्गेनिक निचोड़नी पड़ेगी तभी आपको आएगा. अल्कोहलिक केएमएच सर कराता है इलिमिनेशन. इलिमिनेशन, इलिमिनेशन किसका कराओगे? इलिमिनेशन किसका कराओगे? ऑब्वियसली ये अल्फा है, ये बीटा है और ये बीटा है. दो तरीके से बीटा एलिमिनेशन. तो आप अच्छा, ये सीएल बना रहेगा क्योंकि ये बेंजीन से लगा है, तो ये सीएल बना रहेगा, तो ये दो ऑप्शन आपके हट जाएंगे क्योंकि ये दोनों जगह पे ओएच ओएच आ गए. यार मैं तो हमेशा एलिमिनेशन के साथ जाता हूँ, ऑप्शन एलिमिनेट करने में मुझे बहुत ही मज़ा आता है और उसी के थ्रू मैं आंसर करता हूँ. दो ऑप्शन हटा दिया. अब दो ऑप्शन अगर मैं देखूँगा तो दो, अरे इसको भी मैंने हटा दिया, बकवास तरीके के ऑप्शन दिए गए थे. देख रहे हो यार, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है यार, जेई मेंस 2019 में आए हुए क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, केवल आंसर करने की जरूरत है. 20 सेकंड मुझे लगता है ज्यादा हो गए. सर इसको कैसे हटा दिया आपने? कुछ लोग सोच रहे हैं सर इसको कैसे हटा दिया. इसलिए हटा दिया क्योंकि जिससे हमें ये सब्स्टिट्यूएंट्स लगा है उसके पैरा पोजिशन सीएल है, लेकिन इसके तो यार पैरा पोजिशन पे खाली है, यहाँ सीएल आ गया. अरे बकवास बातें हैं यार, सीएल अपनी पोजीशन कैसे धीरे धीरे बदल लिया रिएक्शन के टाइम में. तो यही आंसर आ गया. आराम से बेहतरीन तरीके से सोचिएगा, जिसको नहीं आया है इसको बनाने का प्रयास करें कैसे आएगा, समझ रहे हैं? सुपर तरीके से तो यार आपको समझ में आएगा, ठीक है? अब मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा. हाँ नोट कर लिया, बहुत समय दे दिया मैंने. अब इसको अगर आप देखेंगे तो मैं थोड़ी सी इसकी मैं मदद कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से. कैसे? कुछ इस तरीके से आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे सीएल है, आप जब आंसर करोगे तो यहाँ से एच निकालोगे, ठीक है? यहाँ से सीएल और यहाँ से एच, तो आपके पास एल्कीन ये मिलेगी, क्योंकि यही आपका एल्कीन सजेस्ट करती है कि आप यही एल्कीन बनाएं, क्योंकि आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीओसी पढ़ रखी है, राइट? अब इसका पॉलीमराइजेशन करने के लिए, फ्री रेडिकल एडिशन कराने के लिए बारी आई, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे और यहाँ के बीच में एडिशन कराओगे, तो आपके पास आ गया यहाँ पे सी एच, यहाँ पे सी एच और यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे एक सी एस थ्री है और यहाँ पे एक सी एस थ्री आ जाएगा और यहाँ पे सी एल आ जाएगा, और आप ऐसे बना दोगे. लेकिन ये आंसर नहीं मैच करेगा आपका, ये आंसर नहीं मैच करेगा. सर क्या बात कर रहे हो, आंसर नहीं मैच करेगा? हाँ, क्योंकि जो आंसर आ रहा है वो यहाँ डबल बॉन्ड पजेस करने की वजह से नहीं आ रहा, वो आंसर जो आ रहा है वो आंसर कुछ डबल बॉन्ड यहाँ पजेस करने से आ रहा. ऑप्शन जो आपके पास आ रहा है वो डबल बॉन्ड यहाँ पजेस करके आ रहा, ठीक है? यहाँ से यहाँ पे, ठीक है? तो ऑप्शन आपको मैच कराने का भी आपको पास तरीका पता होना चाहिए. ये आपका जब इसका पॉलीमराइजेशन कराओगे, फ्री रेडिकल एडिशन जब कराओगे, तो आपका सही आंसर आएगा कुछ इस तरीके से. देख लेना, आपके पास मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है कुछ इस तरीके से, ये आपके पास आएगा, ठीक है? तो मैं इसे छोड़ सकता हूँ अब. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए. आई होप आप सब रेडी होंगे. ये 5 सेकेंड, नॉट मोर देन 5 सेकेंड. 5 सेकेंड मुझे चाहिए, इससे ज़्यादा आंसर नहीं चाहिए. 5 सेकेंड से ज़्यादा मुझे समय नहीं चाहिए गाइस. ईच ऑफ एवरी वन शुड गिव द आंसर द 5 सेकेंड राइट नाउ राइट हियर. 5 सेकेंड मुझे आंसर चाहिए. सर हो गया क्या? बिल्कुल हो गया. 5 सेकेंड से ज़्यादा मुझे समय इसमें नहीं चाहिए.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर यार, थर्मोसेटिंग पॉलीमर अभी पढ़ा है यार, अभी पढ़ा है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। सर मानी चाहिए अगर पेज पलटा दिया। थर्मोसेटिंग पॉलीमर बेकेलाइट, बेकेलाइट थर्मोसेटिंग पॉलीमर कब आया सर? जेई मेंस 2019 में आया। मैं बात कर रहा हूँ कि हाल ही में पूछे गए एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। बेकेलाइट आराम से स्क्रीन को पॉज कीजिए, आराम से क्वेश्चन लिखिए अगर आपको जरूरत लगती है, कोई बात नहीं है, आराम से आप पेज पलटा के अभी देख सकते हैं क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ा है, राइट। और जब आप बार बार रिवाइज करेंगे तो फिर से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाह व्हाट ए क्वेश्चन, व्हाट ए क्वेश्चन। टेक योर टाइम, 5 मिनट्स, नॉट मोर देन 5 मिनट्स। 5 मिनट, ओह सॉरी 5 मिनट के यार सो जाओगे क्या तब तक? 20 सेकेंड्स, जस्ट 20 सेकेंड। आई वॉन्ट द आंसर, पॉज द स्क्रीन एंड गिव द करेक्ट आंसर, करेक्ट मैचिंग द पॉलीमर एंड मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन राइट नाउ। आया क्या, आया क्या? एनफ इज एनफ, ज्यादा समय नहीं चाहिए मुझे, बस टिकटॉक टाइम अप राइट। चलो आंसर पे चलते हैं। सर क्या आंसर पे, कौन सा आंसर? ओके, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन एसडीपी। यार क्या पढ़ा जिगलर नट्टा के एटलीस्ट, एसडीपी में जिगलर नट्टा के एटलीस्ट पढ़ा। हाँ सर, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल सर क्या है? एक्राइलोनाइट्राइल प्रोक्साइड कैटलिस्ट। और क्या? नोवेलेक, नोवेलेक भैया एसिड बेस, नोवेलेक मतलब एसिड बेस रिएक्शन हुआ था जब नोवेलेक हुआ था, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। नायलॉन 6 सर, कंडेंसेशन एट हाई टेम्परेचर प्रेशर, कंडेंसेशन एट हाई टेम्परेचर प्रेशर। यानी सर ए की मैचिंग थर्ड से, ए की मैचिंग थर्ड से, ए की मैचिंग थर्ड से, तो सर ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया क्योंकि ए की मैचिंग सेकंड है, ए की मैचिंग फोर है सर, ये ऑप्शन खत्म हो गया। तो ए की मैचिंग सर किससे होगी? थर्ड से, तो या तो ए ऑप्शन होगा या तो डी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते सर, बी की मैचिंग सर फर्स्ट से होगी। अभी भी बात आगे नहीं बढ़ी सर, क्यों क्यों आगे नहीं बढ़ी? क्योंकि अभी तक टाई टाई चल रहा है सर, यहाँ पे बातें और यहाँ पे बातें सेम चल रही हैं सर। आगे बढ़ते हैं, नायलॉन 6 दूसरे से मैच करेगा, यानी डी की मैचिंग किससे होगी? दूसरे से। सी की मैचिंग होगी चौथे से, सी की मैचिंग चौथे से, कौन सा होगा? ए ऑप्शन इज परफेक्टली ऑल राइट। कितने लोगों का सही हो गया? अरे भैया ये भी 19 में ही आया है, जेई मेंस 19 में। जितने जेई एस्पिरेंट है 2020 देने वाले हैं, बेहतरीन तरीके से उसकी तैयारी करें यार, ठीक है? कुछ भी पूछा सकता है 21, 22 जो भी, आई थिंक तो 22 हो चुका है ऑलमोस्ट तेजी से, अब सेकेंड फेज की बात चल रही है, 22 सेकेंड फेज या 21 जो भी आप तैयारी कर रहे हो जिसके लिए, आप बेहतरीन तरीके से उसके बारे में बात करें राइट। चलिए हटा रहा हूँ मैं, जिसको लगे वापस जाए पॉज करें लिखे राइट। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल कौन है यार? कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल कौन है यार? शर्म आ जाएगी इस क्वेश्चन को देखते ही, ऐसे क्वेश्चन यार कैसे पूछ सकते हैं? नायलॉन 6 यार कंडेंसेशन पॉलीमर है, हेक्सामिथालिन डाइएमाइन और एडिपिक एसिड का ये पॉलीमर है नायलॉन 6। क्या यार क्वेश्चन है सर, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दो। अच्छा क्वेश्चन नहीं आता ना यार, या फिर अच्छा क्वेश्चन है आपको आता है क्वेश्चन? पॉज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन वेरी वेरी केयरफुली, हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन। तो ये भी यार 19 में आया हुआ है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ, एवरी सिंगल क्वेश्चन इज ऑलरेडी आस्क्ड इन योर एग्जाम, एवरी सिंगल क्वेश्चन राइट। ओके मूव ऑन द नेक्स्ट, आर यू रेडी? मूव ऑन, ओके दिस वन, दिस वन सर क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नायलॉन 6? व्हाट इज द क्वेश्चन मैन, व्हाट द क्वेश्चन? नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर सर, सर मजाक चल रहा क्या, मजाक चल रहा क्या? नहीं यार, 19 का क्वेश्चन है जेई मेंस का, जेई मेंस 19 का क्वेश्चन है सर, मजाक थोड़ी ना चल रहा सर। हो गया क्या, हो गया क्या, बेहतरीन तरीके से हो गया सर? तो बहुत कठिन हो गया, बहुत कठिन हो गया क्या? नहीं, अब आपके लिए हर बातें कठिन ही होंगी यार, लेकिन हर बच्चे के लिए आसान वही होता है यार। देखो जिंदगी में यार क्या है ना,
कोई चीज आसान नहीं होती, एवरी सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन यू हैव टू पे द प्राइस, एडवांस प्राइस, समझिए इस बात को। हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए आपको प्राइस पे करना। प्राइस का मतलब सर क्या पैसा? नो पैसा नहीं, पैसा आज आप पढ़ रहे हो, दो ढाई घंटा इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज द प्राइस। आप बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ते हो, दिन रात एक कर रहे हो, दैट इज द प्राइस। आप सोशल मीडिया नेटफ्लिक्स पे नहीं जाते हो, उस पर अपने आप को कंट्रोल करके पढ़ाई करते हो, दैट इज प्राइस। एवरी सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, हर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन के लिए यू हैव टू पे द प्राइस, नोट इट डाउन, एडवांस प्राइस, राइट। अब ये सारे क्वेश्चन, सारे पॉइंट, सारी बातें आपने जो पिछले ढाई घंटे में हमारे साथ पढ़ी है, क्या वो स्टूडेंट्स भी पढ़ा जो ढाई घंटे से नेटफ्लिक्स पे या अमेजोन प्राइम पे वेब सीरीज निपटा रहा हो? नहीं, यही आपकी प्राइस है, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको आगे चल के आपको एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जैसा मिलेगा, ठीक है। जो भी आप करते हो ये सब आपको फ्लक्चुएट करके आपके फ्यूचर मिलते हैं, समझ रहे। जो भी आज आप हैं वो आपके अतीत में लिए गए डिसीजन उनके परिणामों का कारण है। यू आर नथिंग बट ऑल दो डिसीजन, ऑल दो एक्टिविटीज, ऑल दो हैबिट्स हु हैज बीन टेकन इन द पास्ट, एंड योर फ्यूचर विल बी द प्रोडक्ट ऑल दो एक्टिवेटेड, ऑल दो कैलकुलेशन व्हिच इज टेकिंग राइट नाउ। जो आज आप डिसीजन ले रहे हो, जो आज आप कर रहे हो, ये हर एक पॉइंट, हर एक बातें आपके फ्यूचर में फ्लक्चुएट करेंगी। डिसीजन आपका है, लोग फ्यूचर 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 करते, अरे आज कैलकुलेट करो ना यार। मैं तो कहता हूँ आज और अभी कैलकुलेट करो, और इसका परिणाम आपको कल ही दिखेगा, कल नहीं दिखेगा तो परसों दिखेगा, ठीक है। जैसा आज आप कैलकुलेट करोगे, जैसे आप डिसीजन लोगे, फ्यूचर डेफिनेटली मूव ऑन द लाइक यू। अभी पढ़ा है तो अभी पढ़ा है तो जितने बच्चे बेहतरीन तरीके से साथ में चल रहे हैं पिछले ढाई घंटे से, उनको ये बात समझ में आ रही होगी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नायलॉन सिक्स, राइट। तो कौन सा आंसर आ गया सर? आई थिंक सेकंड इज द परफेक्ट, राइट, सेकंड इज परफेक्ट। सर लास्ट में क्या, यहाँ पे छः आ गया यार, सात कार्बन है और सात कार्बन गलत हो गया। सर इसमें दो अलग अलग बातें, ये दोनों सेम से मान, तो बेहतरीन तरीके बकवास ऑप्शन लिखे गए हैं। तो हर स्टूडेंट्स जो बेहतरीन तरीके साथ में लिख रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखेगा I am major the beyond. I am the beyond the major, right? I am the beyond the major, right? Every single word is the very, very crucial important in the polymer. जो भी हम लोग ढाई घंटे तीन घंटे में पढ़ रहे हैं, हर एक लाइन, हर एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, every single word, right? Are you ready for the next? Move on the next. Move on the next. Pause the screen and take your own time. जब भी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन डिस्प्ले हो, you have to pause the screen and take your own time to give the correct answer. Right? Okay. Not more than 20 seconds, guys. Not more than 20 seconds. Enough is enough. 20 seconds. Yes, sir. The two monomers of the nylon 66. Nylon 66 की preparation के लिए दो monomer कौन-कौन से होते हैं? यार अब तो हद ही हो गई है, फिर से जेई मेंस 19 ने फिर से वही। तो क्या हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन एडिपिक एसिड नहीं ढूंढ पा रहे हैं? हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन एडिपिक एसिड नहीं ढूंढ पा रहे हैं आप? अरे ढूंढ तो लिया सर, हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन, हेक्सामिथाइलिन यहां नहीं, हेक्सामिथाइलिन यहां नहीं, हेक्सामिथाइलिन हां यहां पे है, यहां पे ये, तो ये दो ऑप्शन सर एलिमिनेट हो गए। अरे हो गए कि नहीं? आगे भाई, एडिपिक एसिड में सर क्या होता है? छह कार्बन यहां आ गए सर, तो छह कार्बन यहां होने चाहिए, लेकिन सर छह यहां पे आ गया, तो आठ कार्बन हो गए सर, ये भी खत्म हो गया। सी ऑप्शन सर हमारे पास आंसर आ गया। इज इट करेक्ट? इज एवरीबॉडी फाइन? क्या हर कोई ये बात समझ पा रहा है? ऐसे क्वेश्चन करना होता। अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को ट्रेंड कीजिए। आज के दौर में हर स्टूडेंट को वेल ट्रेंड, वेल एजुकेटेड दोनों होना पड़ेगा। यू मस्ट हैव टू बी वेल ट्रेंड, समझ रहे, एजुकेटेड, क्योंकि आपके समय में एजुकेटेड और वेल ट्रेंड दोनों बहुत जरूरी है। ये आपको हर एक सिंगल वर्ड याद है, दैट इज यू आर वेल ट्रेंड। हर चीज आपको मैकेनिज्म के साथ पॉइंट टू पॉइंट याद है, यू आर वेल एजुकेटेड एज वेल एज वेल ट्रेंड। दोनों बात है। एग्जाम में अगर
आप देखें तो कभी कभी वेल ट्रेंड स्टूडेंट वेल परफॉर्मेंस कर जाता है वेल एजुकेटेड से, क्यों? क्योंकि उसे एवरी सिंगल वर्ड उसे एकदम अच्छे से याद है, मेमोराइज है, एवरी सिंगल वर्ड मेमोराइज है, तो बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस दे देता है। और कभी कभी हम हर चीज़ बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, बहुत साइंटिफिकली सोचते हैं, तो लैक ऑफ टाइम हम पीछे हो जाते हैं, राइट? दिस इज माई ओपिनियन, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो आप इस बात को छोड़ सकते हैं, राइट? सी फाइन, मूव ऑन द नेक्स्ट। व्हाट अ क्वेश्चन, टेक योर टाइम, 20 seconds, नॉट मोर देन 20 seconds, नॉट मोर देन 20 seconds, पॉज द स्क्रीन। क्या है सर क्वेश्चन? पॉली बीटा हाइड्रोक्सी वैलरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलरेट PHBB इज द को पॉलीमर। अरे यार कमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया। फिर से आपको बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के बारे में बात किया जेई मेंस 2019 में, और पूछा जो वो PHBB होता है वो जो दो मोनोमर यूनिट होते हैं उसका नाम बता दो, नाम बता दो। हमने कैसे याद किया है कि सर दोनों में 3-3 होता है, सर दोनों में 3-3 होता है, तो सर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सर 2 है, तो ये ऑप्शन सर खत्म हो गया। सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, सर ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, क्योंकि सर हमें पता है सर कि दोनों में 3-3 होता है, एक में ब्यूटेनोइक होता है, एक में पेंटेनोइक होता है। सर ये 3 है, हाँ सर ये 4 है, अरे सर ये भी तो खत्म हो गया। सर तो क्या एक ही है सर? बेहतरीन। तो हर चीज आप लिखिए, उसे नोट कीजिए, समझिए, और एक की पॉइंट आप उसके साथ साथ लेके चलिए कि हम कैसे याद करेंगे एवरी सिंगल पॉइंट, एवरी सिंगल वर्ड आपको बेहतरीन तरीके से मेमोराइज होना चाहिए। ये सब जेई मेंस का क्वेश्चन है यार, मैं अपने तरफ से क्वेश्चन कोई नहीं लिखा हूँ, आप जाइए PYQ आप उठाइए, सारे क्वेश्चन आपको टपकते हुए नजर आएंगे। और मैंने केवल 19 क्वेश्चन पिक किए हैं, 18, 17, 16, 15 या फिर पिछले 43 ईयर्स में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं आप सब जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। एवरी सिंगल क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट योरसेल्फ, हर स्टूडेंट को करना चाहिए, क्योंकि मैं बोलता हूँ पहले क्लासरूम नोट्स मेंटेन करो, असाइनमेंट मेंटेन करो, क्लासरूम नोट्स असाइनमेंट इन दोनों से अगर आपको फुर्सत मिल जाता देन गो विद द PYQ। ये तीन काम करने के बाद आपकी तैयारी परफेक्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन सीक्वेंस ध्यान रखना, पहले आपका नोट्स क्लियर होने चाहिए, असाइनमेंट क्लियर होने चाहिए, देन यू हैव टू गो PYQ, अदरवाइज सफर कर जाओगे यार, परेशान हो जाओगे अगर उल्टे रिवर्स ऑर्डर में आए, पहले PYQ पकड़ लिया, राइट? तो ये क्वेश्चन बन गया, मूव ऑन द नेक्स्ट। व्हाट, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, टेक योर टाइम। होमोपॉलीमर फॉर्म बाय 4-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड दे दिया गया है, एक कंपाउंड जिसका होमोपॉलीमराइजेशन के थ्रू एक पॉलीमर बनता है, मुझे उसका आंसर चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड का सेंस मेरा ये है कि हम लोगों ने इसको क्लास में नहीं किया, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। हो गया क्या? अरे हो गया क्या, ट्राई करते हैं, मैं मदद कर देता हूं, क्या मदद करते हैं? 4-हाइड्रोक्सी क्या है? ब्यूटेनोइक, राइट? ब्यूटेनोइक CH2, दिस इज COOH, ये आपके पास है 4-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, बेहतरीन तरीके साथ में चल रहे हैं, 4-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। अब ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन देगा, हीट करोगे -N मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकलेगा। सर ये क्यों? क्योंकि इसके N मॉलिक्यूल जब जुड़ेंगे तब आपके साथ ये सिचुएशन बनेगी, राइट? इसमें एसिड है एल्कोहल है और एसिड एल्कोहल आपस में N मॉलिक्यूल कंडेंस करेंगे तो पॉलीएस्टर बनाएंगे, यस पॉलीएस्टर। यहां से OH, दूसरे वाले से H, यहां से H, दूसरे वाले से OH, तो सर क्या कर रहे हो आप कि यहां से ऑक्सीजन ले ले और यहां पे जो CH2 है कितने टाइम्स, 1, 2, 3 सर उसको होल थ्राइस कर दें और सर CO ले लें और ऑक्सीजन को छोड़ दें सर OH को और इसका सर होल एन कर दें, यही आएगा सर, एब्सोल्युटली यही आएगा। टेक और आंसर कहाँ पे है सर? यहाँ पे
सर यहाँ पे तो बहुत बेहतरीन ऑप्शन सेट किया है, यहाँ पे देख रहे हो एस्टर अंदर ले लिया, और हमें पता है इसके साथ ऑक्सीजन नहीं रहेगा क्योंकि वो तो ओ एच के साथ इंगेज हो गया, तो ये बकवास ऑप्शन है। अरे यहाँ पे टू है, ये बकवास है, ये यही तो सही है, ये भी गलत है। तो कभी कभी यार थोड़ा सा मेथड से प्रोसीड करते हैं तो अच्छी बात बन जाती, अदरवाइज मूव ऑन द नेक्स्ट। ओके, ये भी थोड़ा सा अलग है, चलो ठीक है, मैं आपको इसको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, अपना घर पे काम किया इसमें, क्योंकि एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है, इसको मैं होमवर्क में आपको दे देता हूँ, इसे आप नोट कर लीजिएगा, इसे आप घर से बना के आइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर जरूर मेंशन कीजिए। आई वांट द एवरीवन, ईच ऑफ एवरीवन द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, हर किसी से मुझे आंसर चाहिए, हर किसी से आंसर चाहिए, राइट। इसे आप बनाएंगे क्वेश्चन को, मुझे आंसर करके बताएंगे, ठीक है, देखते हैं कोई और है। हाँ एक और है यार, द फॉर्मेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इन द इन्वॉल्व द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, कौन सा पॉलीमर है जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इन्वॉल्व करता है। हाँ ये 2017 जेई मेंस में आया था, क्या बता पाओगे यार, अब तो याद हो गया होगा यार, एक ही पॉलीमर है पूरे चैप्टर में जो वाटर के हाइड्रोलिसिस से बनता है, कौन सा, नायलॉन सिक्स पहला ऑप्शन, कैप्रोलैक्टम के हाइड्रोलिसिस से नायलॉन सिक्स बनता है। आई ओके, सब लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से साथ में चल रहे हैं, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, शायद आई थिंक खत्म हो गया, यस फाइन। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया यार, सब लोग जितने भी लोग बेहतरीन तरीके से पिछले 3 घंटे से हमारे साथ में चल रहे हैं उनको एक क्वालिटी चैप्टर खत्म करते हुए मिला। सर क्वालिटी चैप्टर क्या मतलब है, क्वालिटी चैप्टर का मतलब ये है कि आपके एग्जाम में 4 नंबर का आपने काम कर दिया है, और यार कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हम उस 4 नंबर की सीरीज को आगे बढ़ते हैं, हर चैप्टर को चलते हुए जब बढ़ते हैं तो हम 4 एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड करते हुए बढ़ते हैं, वो चैप्टर छोटा हो सकता है बड़ा हो सकता है, अब ये 4 नंबर की सीरीज में आपके एक 4 नंबर और ऐड हो गए हैं, सिर्फ 3 घंटे की स्टडी में, 3 घंटे की मेहनत में आपके 4 एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड होंगे। अच्छा सर और क्या करना है, अब इसका और क्या करना है, हाँ आपने नोट्स बेहतरीन बना लिया, इसको बार बेहतरीन तरीके से बार रिवाइज कर लेंगे, और सर क्या करना है, रिवाइज करने के बाद आपके पास असाइनमेंट दिए गए हैं, ठीक है, आपके पास असाइनमेंट दिए गए हैं, आप ऐप में जाएंगे असाइनमेंट ओपन करेंगे, असाइनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, छोटे से बड़े, जिसमें बैकलाइट के 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, नोवेल सॉरी बाकी नायलॉन्स एमाइड्स के 10-20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब मोर देन 120 या 130 क्वेश्चन, 130-140 क्वेश्चन होंगे आपके, 150 के अप्रॉक्स में, उसे आप अटेंड करेंगे तो आपको बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, उसको एक ही बार में करना है यार, ऐसा नहीं कि 150 क्वेश्चन है तो मतलब 10 दिन में कर दिया, आराम से इसको रिवाइज करो आधे घंटे 40 मिनट में, और फिर आराम से फुली कंसंट्रेशन की तरह एक टेस्ट की तरह उस पूरे असाइनमेंट को बैठो 1 घंटे में, 60 मिनट में 120 क्वेश्चन 130 क्वेश्चन जो भी है, नॉट मोर देन 60 मिनट, 1 घंटे में उसको अटेंड करो, और मे बी 5-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन ट्रबल करें, अदरवाइज बाकी सारे हो जाएंगे, राइट। जेई वालों में मल्टीपल चॉइस इंटीजर सारे क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किए हैं, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन सेट किए हैं, ये बातें मैं स्पेशली NTA बेस्ड वाली बातें मैं कर रहा था, असाइनमेंट में आपको थोड़ी सी बेहतरीन बातें मिलेंगी, यानी नोट्स करना सर, नोट्स के बाद असाइनमेंट करना है, सर ये दोनों खत्म हो जाए फिर उसके बाद PYQ कर लेना, सब कुछ बन जाएगा, राइट, सारे के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। तो सर फिर नेक्स्ट भैया, अब आपकी बातें खत्म हो गई, ये चैप्टर फाइनली प्रोबेबली आपका खत्म हो गया है, ये चैप्टर आपका फाइनली प्रोबेबली पूरी बातें खत्म हो गई हैं, आपके स्क्रीन पे आपको थैंक यू भी काफ़ी देर से आ रहा है, बस हम उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे थे कि आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि जो पिछले 2.5 घंटे से हम लोग सर पढ़ रहे हैं क्या वो प्रोडक्टिव है या नहीं, तो आप able to understand what you are exactly try to learn in last 1.5 hour and 2.5 hour, जो भी exactly आप अपने आप इस बात पे decide कर सकते हो कि सर productive रहा या नहीं रहा, या सर exam में ऐसे question आते हैं या नहीं आते हैं, क्या आप 4 नंबर के लिए तैयार हो गए हो कि नहीं हो गए हो, राइट। चलिए, कैसा रहा आज का लेक्चर, कैसी रही क्लास, और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मुलाकात होगी अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।